चाहे हमेशा अपने परिवार एवं बच्चों की देखरेख एवं घर के कार्यों में इस तरह बिजी रहती है कि वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है और छोटी मोटी बीमारियों को इग्नोर करती है। इसी के चलते उन्हें कुछ बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है जो कई बार गंभीर बीमारी का रूप लेती है। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर एवं ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर देखने और सुनने में आ रहा है। इसे कैसे रोका जाए, इसका लक्षण क्या है, इस प्रचार प्रचार के लिए हमारी संस्था प्रतिबद्ध है। हम कई कार्यशाला स्कूल कॉलेज एवं ग्रामीण से स्वास्थ्य केंद्रों में करते हैं और लोगों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि कैंसर का इलाज संभव है यदि इसकी प्रारंभिक अवस्था को पहचान लिया जाए। इसे जानने के लिए हमारी संस्था के प्रमुख संरक्षक डॉक्टर प्रदीप पांडे जी, डॉक्टर प्रभा चौहान जी एवं मैडम जी बी जॉर्ज, जो कि कैंसर से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, हमारी संस्था की अध्यक्षा श्रीमती शशि गुप्ता, सचिव श्रीमती उमा बोथरा एवं सदस्य श्रीमती नीता पांडे, सोनल बत्रा, सोनिया खन्ना, तनुलता कोठारी, ज्योति चिकलीकर, शकुंतला चंद्राकर, डेजी सहानी, मंजू लुक्कड़, उमा पांडे एवं और भी 30 एक्टिव मेंबर्स हैं जो हमेशा अपना अथक योगदान हमारी संस्था को देते रहते हैं। आपके आसपास कोई भी ऐसे कैंसर के मरीज अगर मिलते हैं या उनमें कोई लक्षण दिखाई देता है तो आप उन्हें तुरंत महारानी अस्पताल में लेकर आए या हमारे ऑफिस डॉक्टर आरबीपी जी गुप्ता की क्लिनिक में हमारी अध्यक्षा श्रीमती शशि गुप्ता वहां पे बैठती है या उनका फोन नंबर बैनर पे है, लेकर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और बस्तर सेवा हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर प्रदीप पांडे जी होते हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम प्रारंभिक चरण के इलाज में आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारा 3 लोगों का नंबर बैनर में है, आप कोई भी नंबर नोट कर सकते हैं। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको पुनः एक बार यह बता दूं कि हमारी संस्था का नाम सुषमा विंग्स क्यों है। हमारी अध्यक्षा श्रीमती शशि गुप्ता जी की छोटी बहन सुषमा जी, जिनको ब्रेस्ट कैंसर था और बहुत ही इलाज के बाद उन्हें नहीं बचाया जा सका क्योंकि जब तक पता चला तब तक वह काफ़ी बढ़ चुका था। यही देखकर यह संस्था का हम लोगों ने प्रारंभ करने की सोची और यह संस्था अपने उद्देश्य में सफल भी हो रही है और सभी के सहयोग से भविष्य में हम और लोगों को लाभान्वित कर सकेंगे। आप में से कोई भी इस संस्था से जुड़ना चाहे तो उनका स्वागत है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आदरणीय मंच से आग्रह करती हूँ कि वे दीप प्रज्वल करके कार्यक्रम को प्रारंभ करें। पीछे की 2 लाइन जो है ना बहुत पीछे, यहाँ पर भी एक पीछे में आपके कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि वे 2 सचिव हैं। मंचस्थ का, सभी स्वास्थ्यकर्ता का और हमारे एनजीओ के सभी सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी संस्था का उद्देश्य है कैंसर में जागरूकता लाना, ताकि हम समाज में फैल रहे कैंसर की जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है उसको हम रोक सकें। इसके लिए हमको
नो कैंसर नो कैंसर, मतलब कैंसर को जानिए कैंसर नहीं होगा, के उद्देश्य को आप सबके साथ मिलकर पूरा करना है। हमारी जो कैंसर सोसाइटी है, सुषमा विंग्स ऑफ कैंसर सपोर्ट सोसाइटी, उसका उद्देश्य है, मैं हमने अभी जितने भी ब्लॉक के पीएससी हैं वहाँ पे सभी स्वास्थ्यकर्ताओं का सेमिनार, स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं उनका सेमिनार, और जो सामाजिक संस्थाएँ हैं वहाँ जाके अपना सेमिनार दे रहे हैं ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले। और अभी हमने कुछ ही दिनों पहले स्टार्ट किया है महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप, क्योंकि महिलाएं अपना स्वास्थ्य चेकअप नहीं कराती हैं। तो ये बात हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आप हमारी संस्था में लोगों को भेजिए ताकि महिलाएं अपना स्वास्थ्य चेकअप कराएं, क्योंकि 40 साल के बाद महिलाओं को 30-40 साल के बाद अपना स्वास्थ्य का चेकअप कराना ही चाहिए, तभी उनको पता चलेगा उनकी जो शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा, अभी कैंसर जैसे सर्वाइकल कैंसर है जिसको कि गर्भाशय का कैंसर कहते हैं, उसका वैक्सीन आ गया है, उस वैक्सीन की जागरूकता भी हम समाज में फैला रहे हैं आपके थ्रू। सामाजिक जितने भी आप स्वास्थ्यकर्ता हैं आपको बताना चाहे आप बताएंगे मैडम कि वैक्सीन क्या है, उस वैक्सीन के लिए हम जागरूकता फैला रहे हैं, साथ में हम वैक्सीन की सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं जिसको अगर कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है तो हमारे पास आ सकता है अपने वैक्सीनेशन कराने के लिए। और इस बाकी जो विस्तृत जानकारी है संस्था की, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है जहां आप फोन कर सकते हैं, ऑफिस में आके जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आपको पूरी मिल जाएगी कैंसर से संबंधित। और मैं आशा करती हूं कि आप हमारी संस्था के उद्देश्य से कैंसर को जानिए कैंसर नहीं होगा को पूरी तरह समझ पाए होंगे और हमारा साथ देंगे और इस सेमिनार का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैंसर इंटरनेशनल डे होता है, उस दिन एक वर्कशॉप रखने जा रहे हैं स्वास्थ्यकर्ता और नर्सिंग से रिलेटेड मेडिकल से रिलेटेड जितने वर्कशॉप होगा जो हम आपको अपना डिटेल्स भेज देंगे और आप सब कोशिश कीजिए करें ताकि आप ही लोग जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते वहाँ तक आप सबको सहयोग भी मिलेगा और आप जागरूक भी मिलेगा। आप और हम काफ़ी दिनों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत हैं और हमने अपने छोटे जीवन काल में ही देखा है कि बहुत सारी बीमारियां जो पहले बहुत भयानक रूप में होती थी अब वो कुछ हमारी मेहनत से कुछ जनता में जागरूकता आने से कम हो गई है। जैसे उल्टी दस्त के पहले कितने ज़्यादा मौतें हो जाती थी, मेनिनजाइटिस से मौत हो जाती थी, पोषण भी कम हो रहा है। ये कुछ बीमारियां कम होने के साथ साथ जब मनुष्य की उम्र बढ़ने लगी है तब हमारे सामने कुछ नई नई बीमारियां प्रकट हो रही हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, मोटापा है, थायराइड है, स्टोन्स हैं। तो समय के साथ हमें भी बदलना होगा। जब दुश्मन डंडे से लड़ रहा था तो हम डंडे से लड़ रहे थे, जब दुश्मन के पास AK-47 आ गई तो हमको भी वैसे ही हथियार यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम जाने, तो आज की बढ़ती हुई बीमारियों में सबसे भयानक है कैंसर। कैंसर के मरीज सामने आते से हम लोग भी हताश से हो जाते हैं कि अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं। कई तरीके ऐसे हैं जिनसे हम कैंसर को भी पछाड़ सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कि कैंसर के बारे में जानना, जैसे मैडम ने बताया कि नो कैंसर यानी KNOW वाला नो, कैंसर को जाने तो नो कैंसर, NO कैंसर नहीं होगा। तो कैंसर वास्तव में है क्या? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और मोटे तौर पे देखें तो ऐसा लगता है कि एक बार शरीर बन गया तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा शरीर रोज रिन्यू होता रहता है, शरीर के कुछ अंग रोज नए बनते रहते हैं, कुछ भाग एक हफ्ते में, कुछ भाग साल भर में, हमेशा पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। ये सब बनाने का नक्शा हमारे DNA में है जो इनको बताता है कि अब यहाँ नई कोशिकाएं बनाओ, अब बनाना बंद कर दो,
जैसे हमारे चमड़ी से 1000 कोशिकाएं मर गई तो 1000 कोशिकाएं बनाना, ये हमारे डीएनए में लिखा हुआ है। इस 1000 कोशिकाएं बनने के बाद नई कोशिकाएं बनना बंद हो जाती हैं। ये ऑफ स्विच जब खराब हो जाता है डीएनए का तो कैंसर पैदा होता है। एक सेल में खराब हुआ, एक सेल से दो सेल, दो से चार, फिर भी अनियंत्रित रूप से हजारों लाखों सेल्स बनती जाती हैं, यही कैंसर। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हमें मालूम है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। कैंसर के बारे में जब हम सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि कैंसर किस स्टेज में है। तो स्टेज के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, कैंसर की चार स्टेजेस होती है। पहली स्टेज में कैंसर जहां उत्पन्न हुआ है वहां एक छोटा सा गठान रहती है, वो स्टेज वन। स्टेज टू में छोटी सी गठान के साथ जो गिल्टियां होती हैं, जैसे हमको पैर में चोट लगती है तो यहाँ गिल्टी हो जाती है, हाथ में चोट लगती है तो बगल में गिल्टी हो जाती है, जिनको हम लिम्फ नोड बोलते हैं। तो अपने पास के लिम्फ नोड तक के पहुँच जाए, जैसे मुंह का कैंसर जिसको मैं आज बता रहा हूँ, वो जब यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ गिल्टियाँ हो जाती हैं, तो स्टेज टू हो जाता है। स्टेज थ्री में जिस अंग से कैंसर पैदा हुआ है उससे बढ़ के आसपास के अंग में आ जाता है, वो स्टेज थ्री। जैसे कि मुंह का कैंसर मान लो जीभ में हुआ और जीभ के साथ साथ वो जबड़े की हड्डी में भी आ गया, तो फिर ये स्टेज थ्री हो जाए। और स्टेज फोर में ये कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में दूर दूर तक फैल जाता है, जैसे फेफड़े में, हड्डियों में, ब्रेन में, लिवर में, ये स्टेज फोर। तो स्टेज वन या टू में अगर हम कैंसर को पकड़ लें तो ऑपरेशन से वो ठीक हो सकता है। स्टेज थ्री फोर के लिए फिर हमको कीमोथेरेपी वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ये कैंसर का एक परिचय हुआ। हमारे छत्तीसगढ़ और बस्तर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, विश्व के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में हमारे यहाँ ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है मुंह का कैंसर। आइए हम मुंह के कैंसर के बारे में कुछ जानें। अंदर की तरफ होठों में और मसूड़ों में ज़्यादातर होता है, कभी कभी जीभ में भी होता है। बताया कि कैंसर का कारण पक्के से तो मालूम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों से ये जुड़ा हुआ है। तो जैसे मुंह का कैंसर है, ये तंबाकू और शराब, इन दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तंबाकू खाना, यहाँ दांत और गाल के बीच में जो दबा के घंटों रखे रहते हैं उससे सबसे ज़्यादा होता है, और स्मोकिंग से, और शराब भी इसके असर को बढ़ाती है। तो शराब और तंबाकू दोनों का मिला जुला सेवन से कैंसर होने का बहुत डर रहता है। इसके सिवा यदि परिवार में किसी और को भी ये कैंसर हुआ है तो उसको भी कैंसर होने का ज़्यादा खतरा है। ये वैसे स्किन का कैंसर है, लेकिन चूँकि हम मुंह की बात करें तो होठों वाले को भी इसमें ले लेना है। ये धूप से भी होता है, इसलिए धूप से भी बचना चाहिए। वैसे स्रोत सूर्य ही है, उसके धूप से ही हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन हमारे सभ्यता के कुछ प्रभाव ऐसे हुए हैं कि ये धूप की जो हानिकारक किरणें रहती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, इनको रोकने के लिए 400-500 किलोमीटर ऊपर एक ओजोन गैस की लेयर थी, उसके कारण ये किरणें नीचे नहीं पहुंच पाती थी। हमारे गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, फ्रिज और एसी से निकलने वाली गैसेज ने उस लेयर में क्षति पहुँचाती, तब ओजोन होल एक बन गया, उससे होके अल्ट्रावायलेट किरणें हम तक पहुंच रही हैं और स्किन का कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। प्रयास चल रहे हैं
कि ओजोन लेयर को रिपेयर किया जा सके, लेकिन अभी हमारे जीवन में तो वो नहीं हो पाएगी, तो हमें अभी धूप से बचना है। पकड़ने के लिए हमने जैसे देखा कि शुरुआती अवस्था में स्टेज वन में ही पकड़ लिया जाए तो इसका उपचार हो पाएगा। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हम शरीर में कहीं भी कैंसर हो तो उसको जल्दी पकड़ सकते हैं? क्योंकि हमारी आदत रहती है कि हम छोटा मोटा समस्या आती तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कैंसर के इतने विकराल रूप धारण करने का एक पहला कारण यह है कि कैंसर की शुरुआती अवस्था में दर्द नहीं होता है। हमको जरा से कांटा गड़ जाए या छोटा सा बाल तोड़ हो जाए तो उसमें हमको इतनी तकलीफ होती है कि हम उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन कैंसर, जैसा कि हमने देखा, कैंसर क्या है? कुछ कोशिकाओं का ही एक गुच्छा है, तो उसमें दर्द नहीं होता शुरुआती अवस्था में। दर्द कब होता है? जब वो आसपास के अंगों को या नर्व्स को अफेक्ट कर लेते हैं, तो दर्द नहीं होता है, इसके कारण हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो आइए हम जाने कि फिर ऐसे क्या मुद्दे हैं जिस पे हम जो हो तो हम डर जाएंगे ये कैंसर हो सकता है। सबसे पहले शरीर में कहीं से भी रक्त स्राव होना, उल्टी में, खांसी में, लेट्रिन में या बच्चे जाने के रास्ते से कहीं से भी खून बहना, ये कैंसर की बहुत खतरनाक निशानी है। तो कहीं से भी खून आ रहा हो शरीर में तो हमें ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर को दिखाएं कि कहीं कैंसर तो नहीं है। दूसरी चीज है घाव, ऐसा घाव जो लंबे समय से ठीक ना हो रहा हो। हमें कहीं भी चोट लगती है या बी कॉम्प्लेक्स की कमी से मुंह में भी छाले हो जाते हैं, शरीर में कहीं भी चोट लगने से घाव हो जाता है, तो हम देखते हैं कि हफ्ते, 15 दिन में, 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वो ठीक हो जाता है। लेकिन कोई भी घाव शरीर में अगर 1.5 महीने हो गए हैं और वो ठीक नहीं हुआ तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि इसकी बायोप्सी करा। तीसरा है मल त्याग की आदतों में परिवर्तन। बचपन से कोई दिन में 1 बार या 2 बार लेट्रिन जा रहे हैं, उसमें एकाएक परिवर्तन आ गया कि 2 दिन में 1 बार जाने लगे या दिन में 4-5 बार जाने लगे, तो फिर डर जाना चाहिए, फिर जांच कराना चाहिए। चौथा एक महत्वपूर्ण कारण है, एक लक्षण है, शरीर में कहीं भी गठान का होना। ज़्यादातर गठाने कैंसर नहीं होती, लेकिन शरीर में कहीं भी गठान, विशेषकर गले में या स्तन में, उसके कैंसर होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए शरीर में कहीं भी गठान हो तो तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पांचवा कारण है आवाज़ में परिवर्तन। किसी की आवाज़ बैठ गई, जैसे अपन लोग का कभी ठंड वंड में गला बैठ जाता है थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन लंबे समय से ठीक ना हो रहा हो। खांसी, जैसे हम लोग तो जानते हैं कि अगर खांसी 2 हफ्ते में ठीक ना हो रही हो तो ईबी हो सकती है, तो एक्सरे करा के देखो, एक्सरे भी नॉर्मल आया और खांसी बनी हुई है तो फिर गले की जाँच कराना चाहिए, हो सकता है ये गले का कैंसर का लक्षण। गुटकने में अड़चन, खाना खाते समय खाना खाते नहीं बनता, शुरू में ठोस भोजन नहीं खाते बनता, खूब सारा उसके एक कौर खाए और 1 गिलास पानी पिए तब जाके उतरता है, फिर बाद में पानी भी नहीं जाने लगता, ये आहार नली के कैंसर का लक्षण हो सकता है। शरीर में जन्म से या जन्म के बाद भी तिल हो जाते हैं काले रंग के। तिल कैसे रहते हैं? दिखने में दिखता है कि ये तिल है, उसको छुएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, ना उसमें दर्द होता है, ना खुजली होती है, ना कुछ खून या पस बहता है। इस तिल में यदि कुछ परिवर्तन आ जाए, एकाएक बढ़ने लगे
या मोटा खुरदुरा हो जाए, उसमें से खून बहने लगे, आसपास और तिल बनने लगे, जहाँ पर तिल है उसके पास की लिम्फ नोड बढ़ने लगे, तो ये कैंसर हो सकता है। तो ये सारे मुंह के कैंसर में इन लक्षणों में से कौन कौन से हैं? तो जैसे हमने नंबर दो में देखा था, घाव या अल्सर जो लंबे समय से ठीक न हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है मुंह के कैंसर में। हम छाले को बी कॉम्प्लेक्स की कमी समझ लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स खा लेते हैं और रिलैक्स रहते हैं। रिलैक्स रहिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको भयभीत रखना, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, दो हफ्ते तीन हफ्ते हो गए ठीक नहीं हो रहा है, तब फिर उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मुंह के अंदर, हम मुंह के अंदर झांक के देखें तो गुलाबी रंग की हमको म्यूकोसा दिखती है। अगर इसमें किसी दूसरे रंग का, जैसे बैंगनी, लाल या सफ़ेद रंग के दाग दिख रहे हैं जो लंबे समय से बने हुए हैं, तो ये कैंसर या कैंसर की पहली सीढ़ी, प्री कैंसरस हो सकता है। जैसे हमने पहला कारण देखा था, कहीं से भी खून निकलना, तो मुंह से खून निकलना मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। फिर जो हमारा चौथा था, शरीर में कहीं भी गठान, तो स्पेस टू होगी तो गले में गिल्टी हो जाएगी, लिम्फ नोड गले की बढ़ जाएगी, जो बहुत कड़ी होगी, इसमें दर्द वगैरह नहीं होगा। शुरुआती अवस्था में तो दर्द नहीं होता, लेकिन आगे जाके जब आसपास के अंगों में पहुंच जाता है, जैसे जीभ में या जबड़े में, जबड़े की हड्डी में, तो फिर उसमें दर्द शुरू हो जाता है। हमारे कान से एक नस जो ब्रेन में जाती है, वो भी गले के पास से होकर गुजरती है, जब कैंसर उस तक पहुंच जाता है तो कान में भी दर्द होने लगता है। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि कैंसर क्या है, कि कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ते जाते हैं, तो ये कोशिकाएं बनाने के लिए हम सामान लगता है ना, हमारे भोजन का मेन हिस्सा जो शरीर चलाने के लिए है, वो कैंसर उपयोग कर लेता है, इसलिए कैंसर वाले का वजन कम हो जाता है। तो मुंह का कैंसर अंदर की तरफ गले में भी अड़चन पैदा कर सकता है, तो हमेशा गले में कुछ कुछ फंसा हुआ महसूस होना, ये भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। ये स्टेज थ्री है। हमारा और आपका प्रयास होना चाहिए कि हमारा कोई भी रोगी इस अवस्था में ना पहुंच पाए। ये गुलाबी रंग की, जैसे हमने देखा मुंह के अंदर की लाइनिंग गुलाबी रहती है, इसमें ये सफेद रंग का इतना बड़ा धब्बा दिख रहा है, ये शुरुआती कैंसर है। ये बैंगनी रंग की फूल गोभी के छोटा सा टुकड़ा भी वैसी फूल गोभी जैसे रहता है, खुरदुरा सा, ये मुंह के कैंसर का टिपिकल अपीयरेंस है। कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी जैसे दिखने वाली अगर वहाँ पे अल्सर या सूजन है तो वो कैंसर है। अभी शुरुआती है, इतना छोटा सा ऑपरेशन करके इस पेशेंट को बचाया जा सकता है, ये मसूड़े में। ये दिखने में ऐसी छोटा सा घाव लगता है, बाल तोड़ थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन नहीं, ये ठीक नहीं हुआ 15-20 दिन से, तो समझ जाओ ये कैंसर है, छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये भी एक धब्बा है जीभ में, ये भी मुंह के कैंसर है। तो टॉर्च चमका के जीभ के अलावा मसूड़े वसूड़े भी देख लें, और उसमें कुछ भी परिवर्तन दिखे तो हम सतर्क हो जाएं। चलो एक बार मैंने इसको बोले, एक 15 दिन बाद फिर मेरे को दिखा लेना,
और फिर वो वैसा ही रहे या उससे भी खराब हो जाए तो फिर उसकी जांच करवाना चाहिए। तो हम क्या वो उसको माइक्रोस्कोप में देख के बता देता है कि ये कैंसर है, और एक फॉर्सेप्स जैसी आती है उससे भी छोटा सा टुकड़ा निकाला जा सकता है। गले में गठान है तो सीरिंज जो इंजेक्शन लगाने वाली सीरिंज रहती है उसी से खींच लेते हैं तो कुछ सेल्स 100-200 सेल्स उसमें आ जाती हैं, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। एक एंडोस्कोपी मतलब एक बड़ा सा जैसे यहाँ पर एलटीटी करते हैं ना, एक पाइप यहाँ डाल देते हैं, ये तो रिजिड एंडोस्कोप कहलाता है। मुंह की गले की पेट की जांच करने के लिए एक पाइप जैसा रहता है उसको डालते हैं अंदर, तो टीवी की स्क्रीन पे अंदर का सब चीज दिखता है, उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। उसी से कुछ फॉर्सेप्स डाल के हम बायोप्सी भी ले सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये है कि कैंसर हो ही ना, तो कैंसर से हम बच कैसे सकते हैं। अभी जो नई रिसर्च हुई है उनसे ये पता चला है कि हम अगर अपने लाइफ स्टाइल चेंज कर लें तो कैंसर की संख्या में 50% कमी आ सकती है। ये जितनी भी नई नई बीमारियां हैं ये सब हमारी बुराई हुई मुसीबतें हैं, हमने अपनी जीवन शैली ऐसी कर ली है, हम मेहनत नहीं करते हैं, खाते ज़्यादा हैं, हम शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, यहाँ तक कि नमक खाते हैं, शक्कर ज़्यादा खाते हैं, बैठे रहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत कारण होते हैं। हमें सोचना चाहिए कि ये शरीर भगवान ने जब बनाया था, पृथ्वी पर भेजा था, तो नमक शक्कर तंबाकू गुटखा सुपारी मोटरसाइकिल कार एसी ये कुछ नहीं था, ये मशीन उसी परिस्थितियों में अच्छे से काम कर सकती है। तो मुंह के कैंसर के लिए अपन ने शुरू में देखा कि तंबाकू और शराब ये दो चीज़ें हैं जिनसे मुंह का कैंसर होता है, तो इन्हें हम छोड़ दें। हम जन्मदिन मनाते हैं, हमारा तो जन्म हुआ है, लेकिन हम मुर्गे की जान उस दिन ले लेते हैं, वो भी बद्दुआ देता होगा, तो हम ऐसे ना मनाएं जन्मदिन। मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, चिकन खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये उचित नहीं है। हम अपने मैरिज एनिवर्सरी पे या जन्मदिन पे अगले एक साल का हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, और वो कैसे लें कि उस दिन छुट्टी ले लें, कोई पार्टी ना रखें, और दोनों पति पत्नी जाके डॉक्टर के पास बीपी नपवाएं, शुगर चेक करवाएं, गले की जांच करवाएं, मैमोग्राफी करवाएं, पैप स्मेयर करवाएं, तो अगले वर्षगांठ तक के हम स्वस्थ रह सकें। मुंह के अंदर की गंदगी भी कैंसर का एक कारण है, और बचपन में हमको कई बातें सिखाई गई थी जो बाद में ये सिद्ध हो रही थी वो गलत थी। और ये परिस्थिति गांव में आप लोग रोज देखते हैं, छोटे से 7-2 साल के बच्चे को भी वो पत्ते में गुड़ाखू दे देते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है कि वो चीज़ खराब है। ऐसे ही हमें सिखाया गया था कि सुबह उठ के दांत साफ करना चाहिए, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, कि सोने के पहले अगर हम दांत साफ कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। दांत क्यों सड़ते हैं और आगामी ये बढ़ के कैंसर एफ के क्यों पहुंच जाती है गंदगी, क्योंकि जो बचा हुआ भोजन हमारे मुंह में फंसा रहता है उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया काम करके एसिड बनाते हैं, उससे दांत खराब होते हैं। तो सोने के पहले यदि हम ब्रश करें तो दांतों की सफाई अच्छी होगी। सबसे अच्छा तो ये होगा कि कुछ भी खाएं उसके बाद हम ब्रश करें, पेस्ट लगाने की जरूरत नहीं। फिर हमारी लाइफ स्टाइल में जो बहुत सारे पॉइंट्स अभी हमने देखे, एक पॉइंट भूल गए, जंक फूड, जो बना बनाया भोजन, पिज्जा
नूडल्स, यहाँ तक कि बिस्किट, ब्रेड, कोका कोला, फेंटा, मैकडोनल्ड, केएफसी, इन सब चीज़ों से भी लाइफ स्टाइल डिसीजन बहुत होती है। प्रदूषण भी कैंसर का एक मुख्य कारण है, तो हम प्रदूषण से बचें, कीटनाशक और अन्य केमिकल कृत्रिम रंगों से बचें। धूप, जैसे हमने देखा कि धूप भी आजकल बहुत हानिकारक हो गई है, तो सनस्क्रीन का उपयोग करके हम धूप से होने वाले स्किन और लिप्स के कैंसर से बच सकते हैं। मेरी बातों से आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी और आप अपने अपने क्षेत्र में जब भी कैंसर के मुंह के कैंसर का शुरुआती लक्षण देखेंगे और सबसे बड़ी बात, जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी है कि महिला उनके पास बच्चे को लेकर आई, ये मीठा बहुत खाता है इसको समझाइए, तो बोले बेटा अगले सोमवार को आना फिर समझाऊंगा। फिर अगले सोमवार को वो गई तो समझा दिए, तो महिला बोली गुरुदेव आपने अगले सोमवार को क्यों बुलाया, तो बोले तू जिस दिन बोली ना कि बच्चा मीठा बहुत खाता है उसी दिन मेरे को पता चला कि ये आदत खराब है और मैं भी बहुत मीठा खाता हूँ, तो एक हफ्ते में तो मैं खुद ही आदत छोड़ा। तो अभी हमने जो 10 मिनट में बातें देखी उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमने खुद नहीं, हम भी बहुत सारे हमारे साथी ड्रिंक करते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, अरे कुछ नहीं होता, होता है अभी। कैंसर जो एक ज़माने में मृत्यु का 100वां कारण था वो अब पहला कारण बनने के नज़दीक है इन्हीं सब चीज़ों के। तो पहले तो हम छोड़ें, गांव में तुमको डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर खुद ही गुटखा खा रहा है तो फिर ग्रामीणों को क्या समझाएं। तो पहले हम खुद ही शिक्षा देने से नहीं होगा, हम करके दिखाएं, तब शायद ये दुनिया बदल सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब मैं महिलाओं में होने वाले कैंसर के बारे में बताने के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रभा चौहान। जो हम लोग बनाते हैं जब आप क्या एपिडेमिक्स होते हैं ये सब चीज़ें हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि क्या हम लाइन ऑफ एक्शन बनाएं जिससे ये कुछ कैंसर्स जो हमारी जिंदगी को कम कर दें, बहुत कम कर देते हैं, अगर उनका समय पे निदान नहीं हुआ या उनका समय पे की जांच के द्वारा उसको कंफर्म नहीं किया आपने कि ये कैंसर ही है और ये साधारण चीज़ नहीं है जिसको हम रोज आगे पीछे कर रहे हैं, आज दिखाने जाएंगे या कल दिखाने जाएंगे, तो ये आप आज जो भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे शायद उसमें कुछ परसेंट फ़र्क पड़ेगा आप पे कि जो भी खांसी है, ब्लीडिंग है या गठान है या छाले हैं, तो कहीं भी आप किसी पेशेंट में देखेंगे जो लंबे समय से चल रहे हैं, तो आपको एक सेकंड के लिए ये क्लिक करेगा कि इसको कहीं कैंसर का समस्या तो नहीं है। सिर्फ हमारी यही एक आप लोगों से
आपको जागरूक करने का हमारे पास सबसे बड़ा तरीका यही है, क्योंकि आप जहाँ हम नहीं पहुँचते वहाँ आप सब पहुँचते हैं, और आप जो है इस स्वास्थ्य जो पूरी की पूरी इसकी सिस्टम है उसका सबसे बड़ा स्तंभ है। हम लोग बहुत पीछे आते हैं, आप लोग घर घर जाते हैं, मरीजों को देखते हैं, खाली मरीजों को नहीं देखते हैं, उनका पति है, उनके बच्चे हैं, या उनके घर में उनके बड़े हैं, सास ससुर हैं, उनके बारे में आप लोग जानकारी लेते हैं, जो जानकारी हम लोग नहीं लेते, हम सिर्फ उसकी जानकारी लेते हैं जो हमारे पास आते हैं। इसलिए आपका सहयोग, आप सबका सहयोग इस कार्यक्रम में और आपकी जागरूकता इस कार्यक्रम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताऊँगी। अभी आपने मुख कैंसर के बारे में डॉक्टर प्रदीप पांडे ने जानकारी ली है, मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी दूँगी। ये महिलाओं में होने वाला कैंसर और इसका रेट जो है ये अभी पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बढ़ा इसलिए भी हो सकता है कि हम जांच के द्वारा आजकल पता लगा लेते हैं ये कैंसर है या नहीं है, या कुछ आपकी जागरूकता या जो लोग हैं जिनको ये तकलीफ है उनकी जागरूकता कि वो हमारे पास आते हैं, तो वो एक कारण भी हो सकता है इसके नंबर बढ़ने का। तो हम ये कहते हैं ना, पहले तो नहीं था आज कैसे है, तो कई बार ये भी होता है कि जो पहले हम जांच नहीं कर पाते थे, लोग हमारे पास नहीं पहुंच पाते थे, वो अब हमारे पास पहुंच रहे हैं या आपके पास पहुंच रहे हैं और आपके द्वारा हमारे पास आ रहे हैं, तो वो एक कारण हो सकता है कि ये जो नंबर हमको बढ़े हुए से दिखाई देते हैं। लेकिन ये बीमारी सही में बढ़ी है, नंबर जो भी हैं लेकिन बीमारी का जो नंबर है वो सही में बढ़ा है। सर्वाइकल कैंसर जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको, गर्भाशय का कैंसर है। गर्भाशय में यूट्रस है, उसके नीचे सर्विक्स होता है और फिर उसके नीचे वजाइना होता है। गर्भाशय का खास काम है बच्चे को रखना, 9 महीने तक प्रेगनेंसी को रखना, यह उसका मेन काम होता है। लेकिन जो उसके नीचे जो उसका जिसको हम उसको मुंह बोलते हैं या ग्लैंड्रा बोलते हैं, उसका काम यह होता है कि डिलीवरी के समय में जब वो फैल जाता है तो बच्चा जो है वो उसके थ्रू होता हुआ फिर दूसरे वर्ल्ड में आता है, ठीक है ना, तो उसका काम यह है। लेकिन जो स्त्रियों का जो अंदरूनी शरीर है वो जब से वो पैदा होते हैं, लड़कियाँ पैदा होती हैं तब से लास्ट तक जब तक वो जिंदा रहती हैं पूरे समय एक हार्मोन्स के चेंजेस में रहता है। कभी उसका ओवुलेशन की प्रोसेस में रहेगा, फिर प्रेगनेंसी के प्रोसेस में रहेगा, फिर दोबारा प्रेगनेंसी के प्रोसेस में रहेगा, फिर महीना बंद होने का प्रोसेस आता है, और लंबा अगर जीते हैं हम, जैसा कि आजकल जीने की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसमें फिर जो दूसरी बीमारियाँ हैं, जो हायर एज की बीमारियाँ हैं, ज़्यादा उम्र की बीमारियाँ हैं, उनका होने का खतरा होता है, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण है कैंसर। हिस्सा है जैसे ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट फॉर्म्स कहते हैं सेल्फ एग्जामिन करने, और आप उसको आसानी से कहीं भी डॉक्टर को जाके ओपीडी में दिखा सकते हैं। मुंह का कैंसर ये आपको दिखता है, पहले अपन खुद देख लेते हैं उसके बाद हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन चूँकि ये अंदरूनी हिस्सा है, इसके बारे में जब तक कोई दूसरा नहीं देखे तो सिर्फ आपको लक्षण पता चलते हैं उसके, और अगर उन लक्षणों को आप टालते जाते हैं, उनको अवॉइड करते जाते हैं कि ऐसा तो उम्र बढ़ने से होता ही है, महीना तो बार बार आता ही है और कई बार बंद हो जाता है या बीच में खून जाती है, तो ये जो भ्रांतियाँ हैं हमारे बीच में इनको आपको दूर करना है। ऐसा नहीं है कि ये हर चीज़ कैंसर से रिलेटेड है, लेकिन वो अगर एक उम्र हो गई है उसके बाद में हमको उस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर का जो मेन उसका जो वायरस है, जो उसका होने का कारण है, वो HPV वायरस है। ये वायरस वैसे ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, ज़्यादातर स्त्री में होता है, ऐसा नहीं कि जिनको कैंसर होता है उन्हीं में होता है, लेकिन वो जब अपनी स्थिति को बाकी अपने बॉडी के उससे मिला लेता है, उसके साथ सूट कर लेता है वो अपने आप को, तब फिर वो जाके वो कैंसर होता है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, आप बीमारियों से लड़ने की शक्ति रखते हैं, आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं है, आप डायबिटिक नहीं है, आप
ब्लड प्रेशर वाले नहीं है या आपको कोई और आपका जो बॉडी का न्यूट्रिशन है वो अच्छा है, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है, आप धूम्रपान नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते, जितनी शराब और ये धूम्रपान पुरुष का बात करता है उतने ही नंबर उसमें महिलाओं का, और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर होता है जो या तो बहुत हाई सोसाइटी के हैं स्त्रियाँ जो हैं उनमें ये बहुत कॉमन है, चाहे वो ड्रिंक्स हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, या बहुत लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स के हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जिनमें लो जो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के लोग हैं उनमें दूसरे कारण जुड़ जाते हैं, बार बार बच्चे होना, कम उम्र में शादी हो जाती, ये वायरस अकेला काम नहीं करता, ये प्रेजेंस जो है जो हम अपने माइक्रोबायोलॉजी से अपने टेस्ट से इसको अलग करते हैं कि हर कैंसर पेशेंट में हमको ये वायरस मिलता है। जैसा अभी डॉक्टर पांडे ने बताया कि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि अगर आपके घर में किसी को है फर्स्ट ब्लड रिलेशन में, जैसे आपके मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, इनको अगर है तो उसमें चांसेस उस फैमिली के लोगों के और भी बढ़ जाते हैं कैंसर वाले। तो ये खाली वायरस का प्रेजेंस होना ये नहीं शो करता है कि वो कैंसर, लेकिन उस वायरस के साथ में जब दूसरे और भी फैक्टर्स मिल जाते हैं तब वो फिर कैंसर लगाने की प्रक्रिया शुरू करता है। उसमें ये फैक्टर्स बहुत काम करते हैं, अर्ली मैरिज हमारे यहाँ इसका बहुत ज़्यादा फैशन है, बच्चा लड़की मेंसेस नहीं हो पाती है उसकी शादी कर दी जाती है, जबकि बच्चेदारी का और जो सर्विस का रिलेशन है उस उम्र ग्रुप में उस ग्रुप में बहुत ज़्यादा चेंजेस में आता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोड रहता है क्योंकि उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हो रहा था, पूरी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो दौड़ते रहते हैं तेज़ी से। तो अगर ऐसे में अगर हम उसकी शादी कर लेते हैं, शरीर उसका परिपक्व नहीं है सेक्स संबंध के लिए, तो उसमें जब ये बार बार होता है इन्फेक्शन उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, उस समय में उसका हीमोग्लोबिन कम होता है या जल्दी जल्दी बच्चे होते हैं, तो ये जो कई सारे कारण हैं या इन्फेक्शन होता है। आजकल शादी होना ये कोई गारंटी नहीं है कि आप सेक्स से दूर हैं, ये कोई भी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है कि अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आपके मैरिज जो शादी के संबंध होते हैं, शादी के बाद के संबंध होते हैं उससे आप दूर हैं। ये आजकल सारे लोग बाहर निकलते हैं, हर तरह के सर्विसेज में काम करते हैं, अक्सर ये रिलेशंस सेक्स रिलेशंस जो है ये बन जाते हैं। आजकल जो इसमें ये है एक HIV जिसमें जोड़ दिया जो मनुष्यों के सिवा और किसी में नहीं पाया जाता, ये बीमारी और किसी में नहीं पाई जाती। HIV के साथ में दूसरी बीमारियाँ खासतौर से कैंसर सर्विक्स ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि इसमें आपका शरीर जो है उसको आपके जो इन्फेक्शन आते हैं उनसे लड़ने की ताकत नहीं होती है। तो ये खाली वायरस को ना कारण माना, ये जो और कारण है उसके साथ आपके जेनेटिक कारण, आपके खान पान, आपका स्मोकिंग ड्रिंकिंग, समझे ना, ये जो दूसरे कारण है, या फिर कुछ लोगों को ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, एक के अलावा कई लोगों से सेक्स संबंध होते हैं, उसमें जब सेक्स से संबंधित बीमारियां होती हैं तो उसमें कैंसर होने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो ये भी आजकल कैंसर होने का एक बहुत बड़ा कारण है। ये शरीर में कहीं भी कैंसर है उसके बारे में है, रक्तस्राव होना, कठान होना, संकर में जो आदत है उसमें चेंज होना, आवाज़ में बदलाव, मतलब तो कहीं का भी कैंसर, जैसे TB शरीर में किसी भी हिस्से को असर करती है वैसे ही कैंसर ये आपके शरीर में किसी भी अंग को असर कर सकता है। ऐसा नहीं है शरीर का होगा या ब्रेस्ट का होगा या सर्विक्स का, ऐसा कुछ नहीं, दिल या मत्स्य में कोई ये जो लक्षण है ये लक्षण एक जनरल लक्षण है, इसके बाद में जो लक्षण हम देखेंगे वो है लक्षण है सर्वाइकल कैंसर, जो यूट्रस कैंसर होते हैं उसके लक्षण ये एक जनरल लक्षण होते हैं और एक लक्षण होते हैं जिस खास हिस्से में आपको बीमारी है उस हिस्से के जो लक्षण होते हैं वो थोड़े से बाकी लक्षणों से अलग होते हैं, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। देखिए गठान वहाँ भी होती है, छाला वहाँ भी होता है, इसमें जैसे सर्विक्स के या यूट्रस के जो कैंसर है उसमें शारीरिक समय अत्यधिक दर्द होना या ब्लीडिंग होना,
ब्लीडिंग सिर्फ संभल बनाते समय होती है, घंटे दो घंटे के बाद बंद हो जाती है। अक्सर हम लोग उसको मिला लेते हैं कि अभी ओवुलेशन का टाइम है या किसी और वजह से हो गया होगा। फिर मासिक धर्म के अधिक रक्तस्राव जिन लोगों को महीना 10 और 11 साल में होता है और वो 52-53 साल तक चलता रहता है, ऐसी स्त्रियों को कैंसर संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप पेशाब जाते हैं, बैठते हैं, उसमें जलन होती है, बार बार आपको ऐसा लगता है पेशाब ले जाना है, कमर आपकी पूरे समय दर्द करती रहती है, या सामने का जो पेल्विक रीजन हम लोग बोलते हैं, अम्बिलिकस के नीचे का हिस्सा उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं, उसमें लगातार दर्द हो, वाइट डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज जो है ये शुरू से चलता है, जैसे कई बार तो लड़कियों के मेंसेस स्टार्ट नहीं हो पाते और आजकल हम लोग देखते हैं कि उसके पहले ही वो वाइट डिस्चार्ज की शिकायत लेके आ जाती है। डिस्चार्ज जो मेंसुरल साइकिल है उसके हिसाब से चलता है ज़्यादातर। दो तीन दिन डिस्चार्ज होता है, जैसे शुरू होने लगता है उसके 4-5 दिन पहले से होने लगता है, बीच में 14-15 दिन होता है जिस समय ओवुलेशन होता है, अंडा रिलीज होता है उस समय होता है, पर इसके अलावा पूरे समय हो ये वाइट डिस्चार्ज होता है। आपके कपड़ों को कई बार स्टेन करता है लेकिन आपको कपड़ा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आपको लगने लगे कि हमको कपड़ा चेंज करना पड़ रहा है या उसका कलर कुछ चेंज होता है, वाइट के बजाय थोड़ा सा क्रीमिश हो गया, कभी कभी थोड़ा रेडिश हो गया, तो वो जो है आपका वो एक साइन है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए उसके बारे में। इससे बचना कैसे? सब सारी बीमारियों का एक ही वो है कि आपको एक ही मैसेज है हमारा, बचाओ। बचाओ की जब स्टेज हो जाती है तब फिर बीमारी शुरू होती है, लेकिन बचाव के लिए आजकल करीब करीब सारी जो बीमारियाँ हैं इस तरह की जिससे हमारी जान को खतरा है या हमारी लाइफ जिसकी कम होती है, हमें करीब करीब सब के लिए वैक्सीनेशन है। और उसी तरह से ये जो सर्वाइकल कैंसर है इसमें आपको वैक्सीनेशन है, इसके लिए इसके वैक्सीनेशन में आपको कोई भी बच्ची जो 9 साल की है और 25-26 साल तक की जो लेडी है वो इस वैक्सीनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। ये आपको बाजार में मिलता है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है लेकिन इतना महंगा नहीं है कि आप अपनी जान को खतरे में डालें। अभी सुषमा मैडम ने बताया कि उनके यहाँ भी इसकी अवेलेबिलिटी है, हो सकता है उनके पास वो वैक्सीन हो सर्वाइकल का कैंसर का, उसके लिए आपको मार्केट से कुछ कम पड़ सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे पास मेडिकल जो स्टोर्स होते हैं वहाँ से आते हैं। इसके 3 अपने को लेने पड़ते हैं, फर्स्ट वैक्सीन आप जब भी लें उसके 1 महीने बाद दूसरा, उसके 6 महीने बाद तीसरा। तो अपने आपकी बच्चियाँ हैं सबकी, आप देखें जो बच्चियाँ आपकी इस ग्रुप में आती हैं जिनको वैक्सीनेशन की ज़रूरत है उनको आप वैक्सीनेट करा सकते हैं। और इसमें मैं साथ में ऐड करना चाहती हूँ, शायद उस पर हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, जो महीने के समय का साफ सफाई वो बहुत ज़रूरी है। अक्सर माताएँ इस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग खुद ही अपने आप को इस चीज़ से समझते हैं कि बस हमने जितना कर लिया उतना काफ़ी है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं होता। जब आपकी छोटी बच्ची रहती है उसको आपको सिखाना है कैसे पैड लगाना है, बेहतर हो कि आप कॉटन पैड आप अफोर्ड कर सकते हैं बाज़ार से सैनिटरी पैड तो उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ड्राई हो जाती है, नीचे उसमें गीला नहीं होता है, बच्चा स्कूल जाता है उसको कपड़ों में दाग लगने का डर नहीं होता, तो वो नहीं तो 3-4 दिन वो कुछ ना कुछ बहाने बना के आज पेट में दर्द है, आज कमर में दर्द है, आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो वो जो 3-4 दिन होते हैं वो करीब करीब हर महीने ज़्यादातर बच्चों को ऐसे ही निकलते हैं। तो उस समय आपको उनकी हाइजीन का ध्यान देना है, उनको सिखाना है हर चीज़, जैसे हमको हमारी माताओं ने सिखाया, आपका आप लोग क्योंकि अब वर्किंग लेडीज़ हैं आप लोग का पास हमेशा समय का रहता है, समय आपको निकालना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए आपको समय देना पड़ेगा। जहाँ बात आपके बच्चों की आती है वहाँ आपको समय देना ही पड़ेगा। रात में जैसे पैड को चेंज करें, अक्सर ये होता है कि अगर दिन भर का पैड हमारा ज़्यादा गीला नहीं हुआ है तो हम उसी पैड को रात में यूज़ करते हैं, वो नहीं करना है, क्योंकि ब्लड के साथ में ब्लड जो है बैक्टीरिया को बढ़ने का सबसे बढ़िया कल्चर मीडियम है। जहाँ भी ब्लड है
सबसे ज्यादा तरह तरह के बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते हैं, ठीक है ना। वो आपको ध्यान रखना है, आप इवन आप खुद वर्किंग है, आप खुद भी ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो ये वैक्सीनेशन के साथ साथ सैनिटरी जो हाइजीन है वो, प्लस उनका न्यूट्रिशन, बच्चों का न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। आपने आप जो भी देते हैं, आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें अच्छी और बेस्ट चीज़ बच्चों की क्या है वो आप देखिए। हर किसी को काजू किशमिश खाना है ज़रूरी नहीं है, आप भुना हुआ चना, भुनी हुई मूँगफली, गुड़ है, खजूर है, ये भी चीज़ें उसकी डाइट में, केला, केला साल भर मिलता है, कोई 40 रुपये दर्जन है, कोई 50 रुपये दर्जन, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि बच्चों का, खासतौर से जो ग्रोइंग एज होते हैं, क्योंकि ये उसको प्रेगनेंसी का बर्डन लेना है लड़की को, उसको उसकी हेल्थ, उसकी चाहे वो जनरल हेल्थ हो या उसकी बच्चेदारी से संबंधित हेल्थ हो, उसकी देखभाल आप ही को करना है। तो ये वैक्सीनेशन के साथ साथ आपको उसका न्यूट्रिशन और उसका सैनिटेशन दोनों ही देखना चाहिए। दूसरा पेप्सिस पे है, पेप्सिस में आपके बारे में आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं, जो आप लोग कॉपर टी कितने लोग लगाते हैं, कॉपर टी कितने लोग लगाते हैं, कोई नहीं लगाता है, है? लगाते हैं ना, क्योंकि अपना हाथ उठाना चाहिए, मुझे पता चले आजकल तो PPI से भी हो गया है ना डिलीवरी के बाद। तुम्हारे यहाँ कितने लग जाते हैं, नहीं लगाते हैं, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। ये सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप कॉपर टी लगा सकते हो, पेशेंट आपके हाथ में रहता है, थोड़ा सा दगा धमका के उसको तैयार किया जा सकता है ना। टेबल से उठ के भागेगा नहीं हो, नहीं क्या, बाकी तो भाग जाते हैं वो, आप मैडम कल आएंगे, परसों आएंगे, घर से पूछ के आएंगे, देखिए जिस समय डिलीवरी होती है उस समय वो टेबल में आके आते हैं। तो आप उसको समझाइए, काउंसिल करिए और थोड़ा उसको समझाते हैं, और ये समझाइश जो है ना ये एंटीनेटल क्लिनिक से चालू होती है, जब सेकेंड में है या फर्स्ट है तो एंटीनेटल क्लिनिक से ही आपको प्रॉपर्टी PPICD वाला प्रोग्राम जो है उसी काउंसिलिंग उस समय से करना चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट टाइम उनके लिए। प्रॉपर्टी लगाते समय आप सबसे पहले आपको सर्विक्स दिखता है ना, अगर उसमें छाला है या आपको लगता है कि गंदा डिस्चार्ज है, स्लाइड ले लीजिए, दो आती है ना स्लाइड, आती है ग्लास स्लाइड, और एक स्टिक क्लीन साफ स्टिक में कॉटन लगा लीजिए साथ में, और जितना एरिया आपको दिख रहा है उसको 2-3 बार उसको सरफेस के ऊपर में उसको चलाइए और उसको स्लाइड के ऊपर ले लीजिए, ठीक है। और इसका एक फिक्सर आता है, आप लोग अपने बेबू को बोलेंगे तो वो आपको मंगा के देंगे, या आप हमको कहेंगे तो हम आपको मंगा के देंगे। तो ये सबसे अच्छा है, आप प्रॉपर्टी लगाते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये अच्छा नहीं है सर्विक्स, ये इसको लगाने के लिए फिट नहीं है, तो पहले उसका वो ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद में फिर उसको लगाइए, तो वो पेशेंट भी आपको धन्यवाद देगा और आपकी जो दूसरा पेशेंट है वो उनको बताएगा जाके, उसको खुद तो नहीं दिखता है कि छाला हुआ है या इसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो आप देख सकते हैं, आप उसको बताएंगे, उसको ट्रीटमेंट देना है पहले और उसके बाद में फिर आप शूट करते हो तो उसको दे। वैसे इसका एक नियम है कि सेक्सुअली जो एक्टिव है, जो शारीरिक संबंध बनाते हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे वो महिलाएँ हों, सबको ये HPV टेस्ट ये सब जगह नहीं होता है, मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं। जिनके पॉजिटिव फाइंडिंग्स आते हैं ना पैप्स में, अपने वो उसमें दिखाता है कि सेल इसके कम है, इसमें न्यूक्लियस ज़्यादा दिख रहा है, वो जो केसेस होते हैं डाउटफुल केसेस होते हैं उसमें फिर हम लोग ये HPV टेस्ट कराते हैं। बाकी है कल्पोस्कोपी, कल्पोस्कोपी इसका फाइनल अल्टीमेट है डायग्नोसिस के लिए, कैंसर का डायग्नोसिस के लिए। इसमें हम बायोप्सी, कुछ एरिया जो हमको लगता है अल्सर वाला है उसको आयोडीन से पेंट करते हैं, जो एरिया लाइट कलर्स होते हैं वहाँ से हम लोग बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी लेने का तरीका आपको बताया है, या तो आप फोर्सेप्स से ले सकते हैं या एक बंच बायोप्सी फोर्सेप आता है उससे ले सकते हैं, कोई आपको चाकू कैंची की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वैक्सीन तो मैंने आपको बता दिया, एज आपको बता दिया, फर्स्ट डोज, दूसरी डोज और तीसरी डोज, ये आपके तीन डोजेज हैं, और कोशिश कीजिए कि जिसको फर्स्ट डोज लगाया है उनको काउंसिल करके सेकेंड डोज लगे, और जिनको सेकेंड लगा है उनको थर्ड भी लगे, है ना। ऐसा नहीं होता है कि जैसे एक लग गया तो एक काफ़ी, क्योंकि 2000 का आता है इसलिए एक काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसका आपको तीनों डोज आपको लेना पड़ेंगे। कब कराना है आपको पैप्सिस स्मीयर, कब कराना है, मैं तो आपको बोलूँगी कि ये जो है विवाह के 3 वर्ष बाद, उसके बाद हर वर्ष, उसके बाद नॉर्मल रिजल्ट आने पर 3 वर्ष में कराएं। 70 साल की उम्र में अगर आपका पैप्स नेगेटिव आता है
तीन बार नेगेटिव आता तो उसके बाद कराने की जरूरत नहीं है। और 70 साल इस टू ले यू कैन नॉट वेट इतना 70 साल के लिए इंतजार करते रहे ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी जैसे आप लगा रहे हैं उसमें ले लीजिए, अगर उसमें डिस्चार्ज की शिकायत है आप परिसपत्र में एग्जामिनेशन कर रहे हैं आप उस समय ले लीजिए, तो आपके पास बहुत सारे मौके रहते हैं। लेकिन अगर कोई उसके लिए बहुत सीरियस है कि आपको हर वर्ष कराना है तो आप उसको हर वर्ष करिए। लेकिन हर वर्ष करने से आपको ये समझ आता है कि कोई चेंजेस अगर आ रहे हैं सर्विस में तो वो आप उसको नोट कर सकते हैं, और जो उसका आगे का चेंजेस है कैंसर होने की संभावना है उसको आप 50% तक कर सकते हैं, 50% ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो ये उसके ये है आपको कब को कराना है इसको। आपको मैंने अभी बताया HPV जो जिनके पॉजिटिव होते हैं उनको हम लोग या जिनके डाउटफुल रिजल्ट्स होते हैं उनको कराते हैं। आपके पास सुविधा है अगर मेडिकल कॉलेज में हर पैरासिस्टमियर को करा सकते हैं, किसी को भी डाउट में क्यों रखना है, इट इज़ बेटर अगर फ्री है वहाँ पर हो सकता है आप हर किसी का करें कोई दिक्कत नहीं। फिर जो है ये हाई रिस्क पेशेंट के लिए करते हैं, हम बताया ना इसका प्रेजेंस जो है ये आपको एक इंडिकेशन देता है, एक वार्निंग देता है, सिग्नल देता है कि ये जो पेशेंट है ये जो लेडी है ये आगे कैंसर के लिए इनको संभावना है, इसलिए आप उसको फिर से कराइए और अगले साल फिर बुला सकते हैं आप उनको। कार्पोस्कोपी ये तो कार्पोस्कोप शायद एक तो लोगों ने देखा होगा, ये ऐसे ही जैसे सोनोग्राफी मशीन होती है उससे छोटा होता है, उसमें खाली एक स्टैंड के ऊपर में कैमरा लगा रहता है और वो कैमरा आपके इधर कंप्यूटर पे अटैच रहता है, तो जो भी पिक्चर आप सर्विस का देखते हैं वो कंप्यूटर पे आ जाता है और वहाँ से हम पिक्चर उसकी परमानेंट स्लाइड्स निकाल लेते हैं, तो वो आप उसको हम लोग कार्पोस्कोपी कहते हैं। ये जो आपका मैं डायग्राम अभी दिखा रही हूँ ये जो मैंने आपको इतना सब कुछ बताया हो सकता है उसमें कई चीज़ें आपके दिमाग से स्लिप हो जाती है, तो रहता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी रहता है तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं सर्वाइकल कैंसर, मेरे ख्याल से हर कैंसर के वार्निंग साइंस हैं, किसी के 5 हैं किसी के 10 हैं, तो ये जो सर्वाइकल कैंसर के आपको दिख रहा है इसमें ये चीज़ों को आपको लापरवाही नहीं करना है। अगर ये सिम्टम्स होते हैं क्या क्या है सिम्टम्स है जनरल डिस्चार्ज, ठीक है ना, डिस्चार्ज जैसे बताया क्रीमी है ब्लड मिक्स है कभी भी हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है कपड़ा चेंज करना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको इसके लिए आपको दिखाइए। दूसरा है एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग कब होती है या तो मेंसेस जब होता है तो मेंसेस का साथ में लंबी चलने लगती है या मेंसेस से इसका कोई रिश्ता नहीं हो रहा, आपका मेंसेस क्लियर हो गया उसके बाद 4 दिन बाद मालूम पड़ा फिर से दाग लगने लगा, तो ये जो चेंजेस होते हैं इसको अपन एबनॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल जो होता है वो आपका 4 दिन में 5 दिन में एबनॉर्मल यानी कभी भी आने लगा, फिर शारीरिक संबंध बनाते समय आने लगा तो ये भी आपका एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, शारीरिक संबंध बनाते समय ये नॉर्मल नहीं है वजाइना से ब्लीडिंग आना। तीसरा हैवी साइकिल्स लॉन्ग लंबे साइकिल्स, ठीक है ना, जो साइकिल्स हैवी है ना आपको 5, 6, 7 पैड चेंज करना पड़ता है, ठीक है, और लंबे चलते हैं कभी 7 दिन कभी 9 दिन कभी 12 दिन, तो ये जो साइकिल्स होते हैं। और एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि जिन बच्चों में महीना जल्दी शुरू होता है और देर से ख़त्म होता है 50, 52, 53 उनमें भी इसके साइन होता है कि उनके लिए हम थोड़ा सा केयरफुल हो। चौथा है पेशाब करते समय कंट्रोल नहीं होना, बार बार होना, जलन होना या पेशाब शुरू करने के पहले बहुत तेज़ी से पेट में दर्द होना या उसके साथ साथ कमर में दर्द होना। पांचवा है ब्लैडर जो पेशाब मतलब रोक नहीं पाता, ऐसा लगता है बाथरूम जाना है जाना जब तक आप सोचते हैं तब तक आपका यूरिन जो है ये अक्सर तब होता है जब ये कैंसर ज़्यादातर यूरेटर या इधर किडनी के यहाँ आ जाता है, ये काफ़ी एक स्टेज है। हमारा इस प्रोग्राम का यही मतलब है, यही मकसद है कि इस डिसीज़ को हम जल्दी पहचान, हम 3rd स्टेज और 4th स्टेज तक ना जाएं क्योंकि ये फिर ट्रीटेबल नहीं होता और पेशेंट की लाइफ बहुत मिजरेबल है। अगर हम पेशेंट को आराम नहीं दे सकते तो सब कुछ आ जाए हमारे मेडिकल वर्कर्स होने का कोई, अगर आपका
आपके मरीज को आपसे आराम नहीं मिल पाता या वो आपके पास आ रहा है और हम उसकी किसी वजह से उसको मिस करते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर पेशेंट भी स्पेकुलम एग्जामिनेशन टीवी करने में बहुत ज़्यादा वो करते हैं, उनको बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल उनको ऐसा लगता है कि सारा काम सोनोग्राफी से होता है, लेकिन सोनोग्राफी से कैंसर सर्विस डिटेक्ट कभी नहीं हो सकती, इसलिए आपको स्पेकुलम एग्जामिनेशन से देखना ही पड़ेगा। फिर शारीरिक संबंध बनाते समय दर्द होना, ब्लीडिंग होना, कमर दर्द होना और उसके बाद 2-3 दिन तक चलते रहना, फटिक मतलब थकान हो, क्यों, क्योंकि आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है ना, जो आपका रूटीन नहीं है उसके अलावा भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, आपका ब्लड शरीर में आपके जो ब्लड सेल हैं उसकी जगह व्हाइट सेल ले रही है, इसकी वजह से आपको थकान हो रही है, पैरों में दर्द होना क्योंकि आपका एनीमिया है, आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, और ये बहुत लेट स्टेज है जिसमें दिखा रहे हैं, ये इसके सेकेंडरीज है कैंसर के, दिस इज द लास्ट स्टेज, ओनली गॉड कैन हेल्प दिस स्टेज। तो लेग पेन लेकिन एनीमिया की वजह से होता है, ब्लड कम होने की वजह से होता है, तो ये आप करेक्शन कर सकते हैं, पेल्विक पेन आपने देख लिया, और अनएक्सप्लेन वेट लॉस एक एड्स में होता है, और इन जो कैंसर के पेशेंट होते हैं आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आपको बुखार नहीं कुछ नहीं, लेकिन आपका वेट कम हो गया, तो दिस इज ओनली रीजन आइदर इन एड्स, एचआईवी एड्स या फिर ट्यूबरक्लोसिस में मोस्टली, और दिस इज दी कैंसर। तो ये आपको मैंने ये छोटे में कर दिया ताकि इसके से 2-4 सिम्टम्स ही अगर आपकी याद रहे, ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग और अनएक्सप्लेन वेट लॉस, ये 3-4 अगर भी आपको याद रहते हैं तो ये जो है ये किसी गंभीर बीमारी के साइन है ना, वो एक साइन भी थी ना डॉक्टर, हाँ हाँ वही स्टेजिंग हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम उसके हिसाब से बीमारी के विस्तार और बीमारी की जो वजह है उसके हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकें, इसलिए हम लोग उसको स्टेजिंग करते हैं। ये देखिए ये आपकी बोनी पैलिस है, इसके हिसाब से ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब्स है, ये ओवरी, ये नीचे का हिस्सा जो है ऐसा दिखता है सर्विक्स, जो आप देखते हैं ना जी ऐसा दिखता है, ये बिल्कुल क्लीन है जी सर्विक्स, जब ये बिल्कुल अगले स्टेज में होता है तो ये सेल के अंदर ही होता है, ये जो उसकी लेयर होती है, जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर बचाने की लेयर होती है कि उसके आगे अगर कैंसर गया तो फिर उसकी लिमिट नहीं होती, वो स्टेज है जी उसकी, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट जीरो स्टेज में कैंसर वहीं के वहीं होता है और इसको हम लोग स्टेजिंग में नहीं मिलाते, स्टेजिंग से अलग है क्योंकि ये बिल्कुल वहीं से एरिया में है और बहुत छोटे से ट्रीटमेंट से इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये जो स्टेजिंग हो गई है आपको, ये स्टेजिंग में आपको कैंसर जब आप स्पेकुलम डालेंगे पेशेंट को देखेंगे या आप फिंगर से टीवी करते हैं उस समय भी आपको ये स्टेजिंग दिखाई देता है, ये स्टेजिंग जो है यहाँ तक अगर पेशेंट को हम डायग्नोज कर लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स, उसकी लाइफ जो है हम काफ़ी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए ये जो सर्विक्स वाला पोर्शन है इसके बाहर निकल गया है, ये नीचे वजाइना में आ गया है, ठीक है ना, उधर नीचे वजाइना में गया है और इधर ऊपर जाएगा, ये इधर किडनी तक जाएगा, यूरेटर्स में जाएगा, तो आपको जो यूरिन प्रॉब्लम्स है ये बहुत लेट शुरू हुई, किडनी में किडनी बहुत बड़े बड़े हो जाती है जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में हाइड्रोलाइफिसिस कहते हैं, ठीक है। ये क्या आपको जानकारी नहीं, आपको सिर्फ मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिर ये यूट्रस रहता कहाँ, क्योंकि जब मैं ये सेशन ले रही हूँ तो मेरे मन में एक सवाल होता है कि ये एक्चुअली में कैसे पता चले लोगों की कि ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, मैंने इसलिए आपको ये वीडियो दिखा, ठीक है ना। उसको एक बार फिर से कर लेंगे पीछे जस्ट, ये यूट्रस है, ये पोर्शन जो है ये सर्विक्स का पोर्शन है, ये देखिए कैंसर जो है ये नीचे
वजाइना वाला हिस्से में आया, उसके बाद इसमें स्टेजिंग बढ़ाई और ये पूरे नीचे तक पहुँच गया, ठीक है ना। ये यहाँ रहता है, देखिए ये आपका पीछे रेक्टम है और ये सामने के हिस्से में ब्लैडर होता है जो आपकी पेशाब की थैली, इसीलिए कैंसर होता है तो पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होता है, या पीछे रेक्टम में जो जहाँ पर आपका लैट्रिन जमा होती है इसका इसके ऊपर का हिस्सा है, ठीक है ना। एन एस वाला पोर्शन नहीं है, रेक्टम अलग है और एन एस अलग है, तो इसमें जब तकलीफ होती है ऐसे ही जब प्रेगनेंसी होती है तब आपको सबसे पहले सिम्टम्स ब्लैडर की शुरू होती है, बार बार लगेगा, जल्दी जल्दी लगेगा या पीछे मोशन नहीं होगा, तो ये जिम में ये दिखाने के लिए इसकी आपकी बॉडी में एग्जैक्टली क्या पोजीशन होती है यूट्रस की, ये आप समझे ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वजाइना है, ठीक है ना। इसके लिए जैसा लगता है कि ये जो जागरूकता इस प्रोग्राम के तहत हम करना चाहते हैं इसके बारे में मैंने जो जानकारी आपको दी है, आपको कोई क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं या इसमें से कुछ भी आप कभी भी पेशेंट लेके आ सकते हैं हमारे पास, आपके पास में सुषमा विंग्स का नंबर है जो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। आप मुझसे ये डॉक्टर उमा पांडे हैं, डॉक्टर प्रदीप पांडे हैं, सुनीता मैडम है, आप हैं शशि मैडम, जीवी मैडम, आप किसी के पास भी मैसेज आ सकते हैं। किसी एक आदमी को आप ढूंढते हुए आपको लगता है वो नहीं मिल रहा है, आप इमीजिएटली दूसरे आदमी से कॉन्टेक्ट करें, ठीक है ना। आपकी समस्या का समाधान करने की हम पूरी पूरी कोशिश करें। हम लोग इसमें पेशेंट को बाहर भेजते हैं जो आजकल रायपुर भेजते हैं, उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ के डॉक्टरों से बात करके जो भी उनका खर्च हम लोग कम करा सकते हैं वो करा सकते हैं, सीटी हो चाहे सीटी स्कैन हो या जो भी हो ऑपरेशन होते हैं तो वो हम लोग चाहते हैं। आप लोग अगर आगे आएंगे तो ये काम सुचारू रूप से चलने लगेंगे। धन्यवाद। कि वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप लोगों को बताएं। इसलिए होता है कि हम बाहर हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है,
हम एक प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं, इतना इंजेक्शंस लगना चाहिए, इतने पेशेंट को देखना है, इनके ऑर्डर्स लगना है, इंजेक्शन लगना है, मेडिसिन देना है, ऑर्डर्स लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, ख़त्म हमारा काम। हमारा काम वहाँ तक सीमित नहीं है। हमको स्वास्थ्य सेवा अगर हमारा मेजर काम है तो आज के डेट में आज का समय कहता है कि स्वास्थ्य जागरूकता उससे बड़ा काम है। उसका रीज़न क्या है? हेल्थ वर्कर्स का पॉपुलेशन कितना होगा? डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स सबको मिला के कितना होगा पॉपुलेशन पूरे देश की? पूरे देश की हम ले कुछ लाखों में होगा, है ना? हमारी देश की आबादी करोड़ों में चल रही है। क्या हम चाहें तो भी हर मरीज के पास, हर इंसान के पास जो तकलीफ में है, हम पहुँच सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या? आप अपने क्षेत्र में हर इंसान के पास पहुँच पा रहे हैं? नहीं पहुँच पा रहे। लेकिन उनको जब तकलीफ होगी वो हमारे पास पहुंच सकते हैं। कब ऐसा होगा? जब हम उनको जागरूक बनाएंगे। जब हम उनको जागरूक बनाएंगे तो पेशेंट्स को, नॉर्मल पब्लिक को हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि हम उनको स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएं। आज तो कैंसर के बारे में बात हो रही है, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात हो रही है, कई बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको अपने मरीजों को बताने के लिए 10 बातें होंगी। जब आपके पास एक पेशेंट आता है, अगर नहीं मालूम तो घर जाके पढ़ते समय की बुक्स होंगे ना, अभी भी है ना, उन बुक्स को खोल के उन बीमारी को पढ़ के देखेंगे। तो सबके पास आजकल एंड्रॉयड मोबाइल है, सब डाटा पैक यूज़ करते हैं, एक बार उस बीमारी के बारे में टाइप करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कोशिश करिए कि दूसरे दिन या उसी दिन वो मरीज हमारे पास है या हमारे पड़ोस में है या हमारे एरिया में है, तो हम जाके उस बीमारी के रोकथाम के बारे में, उस बीमारी के इलाज के बारे में, केयर के बारे में 5 बातें उनको बता सकें। अस हेल्थ वर्कर्स, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं अपनी ज़िंदगी से आप लोगों को बताती हूँ, मेरी ज़िंदगी गवाह है आज कि आपने अगर दिल से एक मरीज को छुआ है तो उसकी दुआएं कभी खाली नहीं जाएगी। हेल्थ प्रोफेशन ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पैसा और दुआएं दोनों साथ चलते हैं। आप लोग अगर इस प्रोफेशन में हैं तो भगवान के पर्सनल कॉलिंग से आए हैं। एक नियति था कि आप यहाँ आए, लेकिन इस पद में रहेंगे आपकी जवाबदारी क्या है उसके बारे में समझिए अच्छे से। इस जवाबदारी को समझ के उसके अनुसार आप काम करें। जिंदगी में उनकी दुआएँ आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार के साथ, ठीक है? तो चलिए आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ब्रेस्ट के बारे में अगर कहा जाए तो प्राचीन काल से, अजंता एला हयोगट मूर्तियों से लेकर देखा जाए तो प्राचीन काल से स्त्री सौंदर्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है। इससे आने वाले दूध से मानवता का पोषण होता है। लेकिन इनकी विडम्बना देखिए, आज ये स्तन कैंसर जैसे महामारी के रूप में फैलने वाली बीमारी से ग्रस्त, ठीक है? एक समय था, मैडम ने जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात की, सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में महिलाओं में होने वाला सबसे बड़ा कैंसर। स्तन कैंसर तो हमारे देश में गिने गिने लोगों को होता है। इसका कारण ये था कि हमारी जीवन शैली उस समय की वैसी, हमारी जीवन शैली कुछ सालों पहले, 10-20 सालों पहले कैसा था? चक्की में आटा पीसते थे, घर का पूरा काम करते थे, सिर में मसाला पीसते थे, घर का झाड़ू पोछा कूट करते थे। मतलब शारीरिक व्यायाम हमारे शरीर में इस तरह था कि स्तन कैंसर होने की संभावना ही नहीं थी। जैसे जैसे हमारा जीवन शैली आरामदायक होता जा रहा है, जैसे जैसे हम पाश्चात्य देशों की जीवन शैली को अपना रहे हैं, हमारी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज की जीवन शैली को हम अपना रहे हैं, वैसे कि वैसे हम ब्रेस्ट कैंसर के, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। स्तन कैंसर की सांख्यिकी, इसकी संख्या कितना है? स्तन कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कैंसर, हमने बताया। 2015 में WHO द्वारा जो आंकड़ा निकाला गया उसमें ये बताया जाता है कि भारत में 1,50,000 1.5 लाख महिलाओं को
स्तन कैंसर के नए मामले सामने 2015 ठीक है, और उनमें से 75,000 महिलाओं की मौत हुई। उसका कारण क्या था? बट बियॉन्ड सेकेंड स्टेज डायग्नोसिस हो गया था, सेकेंड स्टेज के बाद ही डायग्नोसिस होता था, थर्ड स्टेज में मेजॉरिटी लेडीज लाइफ सर्वाइवल ही नहीं उस स्टेज बनी। 2015 में WHO का जो रिपोर्ट है वो देखें, तो उस समय ये बीमारी जो है पाश्चात्य देशों की बीमारी है, USA UK की बीमारी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, उनकी बीमारी है, उनकी जीवन शैली के कारण उनको होने वाली बीमारी है। USA में बहुत लोगों को हुआ, 2.5 लाख लोगों को, 2.5 लाख नए मामले सामने आए 2015 में, लेकिन जो मौत हुई सिर्फ 50,000 लोगों की, सिर्फ 50,000 महिलाओं की। यहाँ पे जितने डायग्नोज हुए उनमें से आधों की मौत हो गई, और वहाँ जितने डायग्नोज हुए उसमें से सिर्फ 1/5 मतलब 50,000 लोगों को हुआ, मतलब 2 लाख लोगों को जीवित हैं आज भी, सिर्फ 50,000 लोगों की मौत। उसका कारण क्या हो सकता है? एक तो वो बहुत जागरूक हैं, फर्स्ट स्टेज में आ गए, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि वो सर्वाइव कर गए। और हमारे देश में लोगों की ज़्यादा मौत हुई वो इसलिए कि लेटर स्टेजेस में डायग्नोसिस हो रहा है। लेटर स्टेजेस में डायग्नोसिस होने का सबसे बड़ा रीज़न महिलाएं अपने स्तन का एग्जामिन करना या स्तन में कोई रोग हो तो बाहर बताना, इवन परिवार वालों को बताना सही नहीं समझते, शर्म के कारण डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, इलाज करवाना पसंद नहीं करते, और अगर किसी डॉक्टर ने बोल भी दिया कि कैंसर एड्रेस निकालना पड़ेगा तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। ड्रेस के बिना कैसे जिए? जान है तो जाना, ड्रेस के बिना भी सर्वाइव हुआ जा सकता है। पाश्चात्य देशों में अगर घर में बहन को या फिर माँ को ब्रेस्ट कैंसर है और लेडीज़ अपना जेनेटिक एनालिसिस कराती हैं और BRCA1 और BRCA2 जीन में अगर म्यूटेशन पाया जाता है उनके जेनेटिक एनालिसिस में, तो बिना कैंसर देख के भी वो अपने दोनों ब्रेस्ट निकलवा देती हैं, क्योंकि उनका फंडा बिल्कुल क्लियर, जिंदा रहेंगे सब कुछ, कैंसर के साथ जी नहीं सकते। भारत में स्तन कैंसर से पीड़ित 2 महिलाओं में से 1 की मौत हो रही है, और इसका कारण इस रोग का समय से पता नहीं लग पाना, और स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर में सर्वाइवल रेट देखे इट इज 96%। स्टेज 1 में अगर डायग्नोसिस हुआ कुछ नहीं होगा, आप जिंदगी आराम से बिता सकते। नेक्स्ट स्लाइड। अब खतरे के कारण, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है इसके बारे में देखा जाए तो कई कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली एक कारण छोड़ नहीं जा सकता। पहला कारण ब्रेस्ट कैंसर होने का आपका महिला होना, ठीक है, हम महिला हैं तो हमको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है, हमको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि 8 में से 1 महिला को पूरे लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। मैं आज जो टॉक शो दे रही हूँ, हो सकता है मुझे, आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं, हो सकता है आप, भगवान करे किसी को ना हो, लेकिन हम सभी ससेप्टेबल हैं इस डिजीज के लिए, ये जानना जरूरी है। सेकेंड, पहला ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों में पाया नहीं जाता, पुरुषों में भी पाया जाता है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है काफ़ी कम है, पुरुषों में बहुत कम मात्रा में, और लेडीज में, अगर पुरुषों में 1% पाया जाता है तो लेडीज में 99% पाया जाता है। उसका कारण ये है कि लेडीज में ब्रेस्ट टिश्यू ज़्यादा रहता है, जेंट्स में ब्रेस्ट टिश्यू कम रहता है, और लेडीज़ में ईस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जेंट्स की बॉडी में भी ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन एक्चुअली प्रोड्यूस करने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गन है वो है ओवरीज और फैट सेल्स। हमारे बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं, चर्बी वसा, इस सेल्स से ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, जिसके बॉडी में जितना ज़्यादा चर्बी उतना ज़्यादा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, ईस्ट्रोजन जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, ये दोनों ही चर्बी ज़्यादा होने से, ईस्ट्रोजन बढ़ने से होने वाले दो कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। 40 वर्ष से अधिक उम्र की आयु वाले महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ती है, ये पाश्चात्य देशों की सांख्यिकी है। हमारे देश में आजकल ये देखने को मिला है, कारण क्या है नहीं मालूम, यंग एज की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखने को मिला, कम एज की महिलाओं में 25, 30, 35 में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखने को मिला है।
40 साल से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर तब पाया जाता है जब इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट रहता है मेनोपॉज होने के बाद, फैट सेल्स एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और उससे ब्रेस्ट कैंसर की संभावना है। और फिर 40 साल के बाद ब्रेस्ट कैंसर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपका ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए कहते हैं कि जितना ज़्यादा समय तक आपके ब्रेस्ट के टिश्यूज एस्ट्रोजन के इफेक्ट में रहेंगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। जैसे उम्र बढ़ेगी हर साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ आपके बॉडी में एस्ट्रोजन वैसे भी बनता है, चर्बी के सेल्स के अलावा भी बनता है। नेक्स्ट कैंसर तब होता है जब महावारी लेट से शुरू होता है। देखो महिलाओं के लिए आगे कुआं पीछे खाई है, या तो आप सर्वाइकल कैंसर में जाएंगे या आप ब्रेस्ट कैंसर में जाएंगे। यहाँ जल्दी महावारी शुरू होगा तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, देर से महावारी बंद होगा तो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जल्दी महावारी शुरू होगा और लेट से बंद होगा तो आपकी जो ओवुलेटरी साइकिल्स हैं जिसमें एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और एस्ट्रोजन ज़्यादा मतलब ब्रेस्ट कैंसर होगा। नेक्स्ट इज देर से बच्चों का जन्म होगा। आजकल फैशन है खुद हमारे बच्चे जल्दी शादी करना पसंद करते हैं, अभी हमको कुछ बनना है, लेकिन पहला बच्चा 25-26 साल तक हो जाना चाहिए, 20 साल में पहले पहला बच्चा हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो आपकी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना फिर बढ़ जाएगी। दूसरा, बच्चा पैदा हो गया दूध नहीं पिलाएंगे, फिगर खराब हो जाएगा। देखिए आप कितना भी ब्रेस्ट फीडिंग करें आपका ब्रेस्ट का फिगर खराब नहीं होता, प्रॉपर फिटिंग ब्रा पहनिए कोई फिगर खराब नहीं होता। आप जितना जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग बंद करेंगे आपके ओवुलेटरी साइकिल्स एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने वाले साइकिल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल्स शुरू हो जाएंगे, आपके बॉडी की एस्ट्रोजन बढ़ने लगेगा और आपको ब्रेस्ट कैंसर, जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे आपको ब्रेस्ट कैंसर उतना कम, और जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे सर्वाइकल कैंसर उतना ही ज़्यादा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, दोनों के बीच में एक नॉर्मलसी मेंटेन करें, ना ज़्यादा ना कम, है ना, एक पटरी बिठाना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है, सही समय से शादी होना, सही समय से बच्चे होना, प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कराना, एक नॉर्मल जो सही चीज़ बताया जाता है उसका आप पालन करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा ना ही सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर हो चाहे सर्वाइकल कैंसर हो चाहे दूसरा कोई भी कैंसर हो, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल डिजीज, वो हमारा जीवन शैली जैसा है वैसा ये डिजीज होगा। नेक्स्ट, बिना डॉक्टर की सलाह के गर्भ निरोधक गोलियों का लंबे समय तक प्रयोग, इन गोलियों में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, इन हार्मोन्स का ज़्यादा लंबे समय तक प्रयोग करना हानिकारक है अपने पेशेंट्स को और खुद की ज़िंदगी में। गर्भ निरोधक गोलियों से ज़्यादा अच्छा है प्रॉपर्टी वगैरह लगवाइए, और बच्चे हो गए हैं जो हो गया तो टीटीबीटी करवाने होते हैं, ठीक है, इन गोलियों का सेवन करना सही है। लेडीज़ जिनका हिस्टेक्टमी हो जाता है वो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आती है वो भी लेडीज़ को नहीं देना चाहिए। लेडीज़ को साइकोलॉजी तो काउंसलिंग करिए, ये जो आपके विड्रॉल सिम्टम्स हैं हॉर्मोन्स के ये कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएंगे, थोड़े दिन आपको उनको टॉलरेट करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को बिजी रखिए, कुछ व्यायाम वगैरह करिए, घर के कामों में बिजी रहिए, आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे बॉडी वो हॉर्मोन्स के बिना जीना भी सीख जाएगी, लेकिन उस फेस को कवर करना जरूरी है ना कि उनको ड्रग्स एडवाइस। आप पर्याप्त स्तनपान मैंने बता दिया, रजोनिवृत्ति के दौरान हार्मोन उपचार बता दिया, मोटापा बहुत बड़ा काम, जितना मोटा शरीर उतना ज़्यादा चर्बी, जितना ज़्यादा चर्बी उतना एस्ट्रोजन और आपको ब्रेस्ट कैंसर। मोटापा कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, व्यायाम, महिलाओं के लिए घर के काम से बेहतर व्यायाम है, आप अपने घर का काम पूरी तरह करिए, कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, कोई वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम फिट रहें उतना करिए, और नहीं कर सकते हैं कोई लिमिटेशन है जॉब में जाना है ये है वो है, 40 से 60 मिनट का वर्कआउट होना चाहिए। ये एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है हमारे बॉडी में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एंडोर्फिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ये हार्मोन ख्याल रखता है एस्ट्रोजन के सेक्रेशन के लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है,
तो आपको रेगुलर 40 से 60 मिनट का अगर घर का पूरा काम नहीं करेंगे तो आपको वर्कआउट करना चाहिए, चाहे आप एक चल रही हो या घर में ही एक जगह तेज चल रही हो, जो भी आपको वर्कआउट करना ज़रूरी है ताकि आप अपने बॉडी को कंट्रोल में। इसके अलावा हमारी घर में भी देखिए ईस्ट्रोजन तीन प्रकार का होता है। एक ईस्ट्रोजन जो हमारे शरीर में पैदा होता है जिसको हम ईस्ट्रोजन ह्यूमन ईस्ट्रोजन कहते हैं। दूसरा ईस्ट्रोजन वो है जो केमिकल्स से हमारे शरीर में आता है जिसको हम जीरो ईस्ट्रोजन कहते हैं। और तीसरा ईस्ट्रोजन वो है जो प्लांट्स में पाया जाता है जिनको हम फाइटो ईस्ट्रोजन कहते हैं। ये तीन तरह का ईस्ट्रोजन हमारे आसपास पाया जाता है। तो एक ईस्ट्रोजन जो बॉडी में है उसको कंट्रोल करने का तरीका मैंने बताया आपको, एक्सरसाइज करना, मोटापा कम रखना, जल्दी शादी करना, ये सब मैंने बताया। अब केमिकल ईस्ट्रोजन्स जो हमारे वातावरण में है इसको हमारे शरीर में आने से कम करने का तरीका क्या है। केमिकल ईस्ट्रोजन्स में पहला है जो हम फंगिसाइड, जर्मिसाइड, पेस्टिसाइड्स हम जो यूज़ करते हैं, स्पेशली जो अपना DDT है और लिंडेन नाम का केमिकल पेस्टिसाइड में आता है, ये दोनों में इस जो जीनो ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम वॉलेटाइल रूप से भी हमारे शरीर में चला जाए तो भी हमको ब्रेस्ट कैंसर की समस्या होती है। दूसरा, आजकल एक तरह से बहुत अच्छा है, पसीने की बदबू कम होती है, हम डिओड्रेंट्स लगाते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, हम बॉडी लोशंस यूज़ करते हैं, ये सब जो परफ्यूम्ड वाले हैं इसमें भी जीनो ईस्ट्रोजन्स बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। कोशिश करिए कि कोई भी परफ्यूम आप डायरेक्ट स्किन पे ना लगाएं, कपड़ों पे लगाएं। दूसरा, बॉडी लोशंस यूज़ करने की बजाय पुराने लोग क्या करते हैं, क्या करते थे, कोरा तेल लगाते थे। कोई भी तेल लगा के बढ़िया नहाइए गर्म पानी, कोई बॉडी लोशन की जरूरत नहीं, कभी नहीं पड़ती। मैं सच में कोई बॉडी लोशन यूज़ नहीं करती, मैं तेल का तेल लगाती हूँ और नहाती हूँ बढ़िया गर्म पानी। आपको किसी बॉडी लोशन पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आपके शरीर में कोई भी जीनो ईस्ट्रोजन नहीं जाएगा। तीसरा, कोई भी गर्म चीज़ों को प्लास्टिक के ग्लासेस, डिस्पोजेबल ग्लासेस में मत, वो भी कार्सिनोजेनिक होता है, उससे भी जीरो ईस्ट्रोजन आपके शरीर में पहुँचता है। आप लोग आजकल पार्टीज में हम देखते हैं डिस्पोजेबल ग्लासेस प्लास्टिक के यूज़ करते हैं, वहीं आपको डिस्पोजेबल ग्लासेस पेपर के भी मिलते हैं। प्लीज़ आप पेपर के ग्लासेस यूज़ करिए, उसके दो एडवांटेज हैं। एक तो बायोडिग्रेडेबल, वो आपके यहाँ यहाँ कचरा बनते ही पड़ा रहेगा, आप एक माचिस से लगाएंगे तो जल जाएगा और आप जलाएंगे भी नहीं तो गल जाएगा शरीर वहीं जमीन। और दूसरा, आपके शरीर में कोई हानिकारक केमिकल नहीं जाएगा। तीसरा, चौथा चीज क्या है, कोई भी कैंड फूड यूज़ मत करिए, किसी भी तरह का कैंड फूड यूज़ मत करिए, स्पेशली उन कैंस में जिसमें वाइट लाइनिंग वो फिर फूड यूज़ मत करिए। कई कैंड फूड आजकल आते हैं ग्लास बॉटल्स में, अगर कैंड फूड है आपका जैम वगैरह कोई भी, वहीं प्लास्टिक बॉटल्स में है, प्लास्टिक कंटेनर्स में है, तो मत यूज़ करें। हमारे दिमाग में, लेडीज़ के दिमाग में क्या होता है, अरे कांच का बॉटल टूट जाएगा यार, ये प्लास्टिक ले लो धो के रखेंगे तो कुछ और मसाले डालेंगे, मत करिए, टूट जाने दीजिए, दूसरा खरीद लेना। लेकिन ग्लास बॉटल्स में एक साथ हमेशा सेफ रहे, ये कुछ हैं। और दूसरा, हम हमेशा जब भी सुनिए तो कोशिश करिएगा कि आप लोग लाइट बंद करके सुनिए। लाइट बंद करके क्यों सोने बोलते हैं, कई लोगों की आदत रहती है लाइट जला के ही सोते हैं। आपके ब्रेन में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको हम पीनियल बॉडी कहते हैं, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड अंधेरा होता है तो अंधेरे में वर्क करता है और एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं, जिसका नाम मेलाटोनिन है। ये हार्मोन ईस्ट्रोजन सेक्रेशन को कम करता है। अंधेरे में नर्सेस जो नाइट ड्यूटी करते हैं, दिन को घर का काम हो जाएगा करके महीने महीने भर की नाइट ड्यूटी मत लिया करो। भगवान ने बहुत सोच समझ के रात को अंधेरा किया है, हमारे शरीर की रचना भी उसी हिसाब से किया है कि हमारा शरीर रात को क्या काम करेगा और दिन को क्या काम। एक हफ्ते का नाइट ड्यूटी है बहुत है, उसके बाद ये ड्यूटी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप नाइट ड्यूटी करेंगे जो नर्सिंग स्टाफ हैं उतना आपके शरीर में मेलाटोनिन नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट ड्यूटी में आप लाइट ऑन करके ही रहते हैं, है ना। नाइट ड्यूटीज एक महीने में, एक हफ्ते का नाइट जरूरत पड़ा तो उतने
कोशिश करिए कि ड्यूटीज ऐसे ज़्यादा ना करना, ऐसा नहीं कि जाके फिर अपने नियमों से झगड़ा करो, मैडम आगे बोल के गई है कि नहीं तो नहीं करना, फिर फंसा मत देना, ठीक है, ऐसा मत करना। हमसे ऊपर हमारी लीच है, जब भी ज़रूरत पड़े कब करना भी पड़ता है, लेकिन एक सब एक साथ ड्यूटी अरेंज रहेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तीसरी चीज, आप जहाँ सोते हैं उसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वाले कोई भी आइटम्स नहीं रहने चाहिए। जैसे सिरानी के पास टीवी लगा हो, कोई केबल, चार्जिंग का केबल हमने लगा दिया है, प्लग ऑन है और मोबाइल से कनेक्टेड नहीं, प्लग ऑन कई लोगों के घर में मोबाइल खींच के ले जाते हैं और वो प्लग ऑन पड़ा हुआ है। मोबाइल को सिरहाने पे मत रखिए, सिरहाने पे चार्जिंग करने मत रखिए। तो ये सब आप अवॉइड करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से दूर रहेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज अगर रहेंगे तो बॉडी में मेलाटोनिन नहीं बनेगा। भले अंधेरा रखें लेकिन मेलाटोनिन नहीं बनेगा, मेलाटोनिन नहीं बनेगा तो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इन कुछ चीज़ों से आप जो बाहर से आने वाला एस्ट्रोजन शरीर में आ रहा है उस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, धूम्रपान तथा तंबाकू का सेवन, कोई भी आदत ऐसी नहीं है जो छोड़ा नहीं जा सकता। है आपको आदत तो आज अभी इसी वक्त सोच लीजिए तो हम छोड़ें, अगर हम करते हो तो दूसरों को मना नहीं कर सकते। इन चीज़ों की जरूरत हमारे शरीर को नहीं है, ये सभी चाहे वो शराब हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे सुपारी हो, ये सब शरीर को नुकसान पहुँचा। नेक्स्ट इस तनाव, किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस लेंगे स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होंगे वो भी आपको कैंसर के लिए ससेप्टेबल। नेक्स्ट स्लाइड, चिन्ह तथा लक्षण। चिन्ह तथा लक्षण में पहला लक्षण है आकार में असमानता। आपके दोनों ब्रेस्ट के आकार में कोई भी चेंजेस है, कोई गांठ है, कुछ है, तो वो एक बहुत बड़ा लक्षण। एक ब्रेस्ट थोड़ा ऊपर है, एक ब्रेस्ट थोड़ा, नॉर्मली दोनों ब्रेस्ट का साइज एक नहीं होता, एक ब्रेस्ट थोड़ा बड़ा होता है और एक ब्रेस्ट थोड़ा छोटा ही होता है। लेकिन आपके लिए क्या नॉर्मल है ये आपको पता रहना चाहिए। मेरा ब्रेस्ट नॉर्मली ऐसा है और नॉर्मल से अलग कभी भी दिखे, कहीं कुछ गड्ढे पड़ रहे हैं, कहीं कोई गांठ दिख रहा है, कहीं थोड़ा सा ब्रेस्ट ऊपर की ओर खींचा हुआ है, तो आपको लगना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। ये तब होगा जब आप नियमित रूप से अपने ब्रेस्ट को देखें, दूसरों को दिखाने के पहले अपने ब्रेस्ट को खुद देखिए, किसी भी डॉक्टर के पास जाने के पहले, हेल्थ के पास जाने के पहले, कपड़े बदलते वक्त एक फुल साइज मिरर के सामने खड़े होकर कपड़े बदलें ताकि आप देख सकें कि मेरा ब्रेस्ट आज कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है त्वचा आकृति, आकृति मैंने बता दी, ग्रहण असमतल शेप वगैरह कुछ भी। नेक्स्ट है त्वचा, त्वचा जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं तो ऑरेंज पील स्किन होते हैं, ऑरेंज पील स्किन, संतरे का स्किन देखा है आपने, मस्त रहता है, गड्ढा पड़ा रहता है, एकदम चमकदार है, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, ब्रेस्ट भी वैसे ही हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, ज़्यादा सेल्स डेवलप होने के कारण, तो गड्ढे पड़े रहते हैं मामली मामली, एकदम तना हुआ रहता है, रंग एकदम चमचमा रहता है, चमकता रहता है ब्रेस्ट, वो एक लक्षण बहुत सिग्निफिकेंट है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। फिर आप अगर निपल को दबा के देखेंगे तो निपल से नॉर्मली अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो मिल्क निकलेगा, ब्रेस्ट फीडिंग रोकने के बाद भी कुछ समय तक थोड़ा सा पानी जैसा निकलता है, उसके बाद अगर कोई ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, कोई पस या कुछ भी निकल रहा है निपल दबा के, तो ये सामान्य नहीं है, इसका जांच होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर ब्रेस्ट के निपल के ऊपर किसी भी तरह का कोई छाला या कोई सोल या पपड़ी निकल रहा है, ऐसा कुछ दिखता है, खुजली हो रहा है आप, वो भी आपको जांच कराना चाहिए, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, देखिए निपल, अगर निपल में इधर अंदर फंसा हुआ निपल दिखता है, अगर अचानक निपल अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाए, कई लेडीज का इन्वर्टेड निपल ही होता है, निपल का जो निपल जो है बाहर की ओर निकला हुआ नहीं रहता, वो उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन आपका निपल बाहर की ओर निकला हुआ अचानक वो अंदर की ओर धंस रहा है, तो भी दिस इज नॉट नॉर्मल, ठीक। नेक्स्ट, स्वस्थ स्तन परीक्षण, देखिए
स्वास्थ्य जिस तरह मैडम ने बताया सर्वाइकल कैंसर के लिए आपके पास आज एक्चुअली भी वैक्सीन है, आप वैक्सीन लगवा दो 25 साल की उम्र के अंदर आप अगर वैक्सीन लगवा देते हो अपने बच्चों को 9 साल की उम्र से शुरू करके या 11 साल की उम्र 15 साल के अंदर लगाओगे तो दो ही डोज लगाना है, 15 साल के बाद भी बाद आपने शुरू किया है तो आपको 3 डोज लगाना है, तो उस वैक्सीन को लगाएंगे तो कुछ हद तक हम सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए ऐसा कोई वैक्सीन अभी तक नहीं है, तो इससे बचाव या ये होने के बावजूद भी अगर हमको ज़्यादा समय तक जिंदा रहना है उसका एक ही तरीका है कि हम इसको जितनी जल्दी हो सके पकड़ें। उसके लिए हमारे हाथ में जो वेपन है, हथियार है, उसको हम स्वस्थन परीक्षण कहते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। इसके 6 चरण हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। पहला चरण फर्स्ट स्टेप में आप किसी फुल साइज मिरर के सामने ऊपर का कपड़ा उतार के नहाने के पहले सीधे खड़े हो जाते हैं और डेली देखिएगा आपका ब्रेस्ट कैसे दिखता है। नॉर्मल एबनॉर्मल होने का इंतज़ार मत करिए, डेली आप देखिए कपड़ा, आप मिरर के सामने ही पकड़ लीजिए, दोनों हाथ ही करके देखिए दोनों ब्रेस्ट कंडीशन किस लेवल पे है, ब्रेस्ट दोनों कैसे दिख रहा है, कहीं कोई गर्भिधार एरिया तो नहीं, स्किन में कोई चेंजेस नहीं, पिंपल कैसे दिख रहा है, ये नॉर्मली डेली देखना जरूरी है। डेली देखते जाएंगे तो आपके दिमाग में छवि बस जाएगा और वो बस जाएगी तो कुछ भी एबनॉर्मल होगा तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है आप ये दोनों हाथ को यहाँ रखिए और यूँ झुकिए सामने, यूँ झुक के फिर निरंतर देखिए आप दोनों ब्रेस्ट कैसे, कहीं कोई खिंचाव का एरिया है क्या, दोनों ब्रेस्ट कैसे शेप कैसा है, साइज कैसा है, ये दोनों ऐसे करके पीछे की ओर झुक के। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, दोनों हाथ को पीछे लीजिए, पीछे लेके यूँ साइड से अपने ब्रेस्ट का व्यू लीजिए और यहाँ पर भी लीजिए इस ब्रेस्ट का भी व्यू लीजिए। तो ये होगा आँखों से निरीक्षण करना, ब्रेस्ट का आँखों से निरीक्षण करना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, पहले ऐसे, दूसरा ऐसे और तीसरा पीछे कर, ये आँखों से हम देख रहे हैं कि हमारा ब्रेस्ट कैसे दिख रहा है। चौथा स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको लेफ्ट ब्रेस्ट एग्जामिन करना, तो ये हाथ पीछे ले जाएंगे, ये हाथ से पूरा एक्सिला से आप शुरू करेंगे, धीरे धीरे दबाते हुए 3 उंगलियों से हल्का दबाव देते हुए पूरा ब्रेस्ट को कवर करते हुए टटोलना है, कहीं कोई गांठ वगैरह हो ना, कई बार पीरियड्स आने वाला रहता है तो आपका ब्रेस्ट थोड़ा सा मॉडुलर हो जाता है, थोड़ा सा आपको गांठ जैसा महसूस होता है, इसलिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का एक समय होता है जो सबसे सही जाँच हो सके। पहला तो जैसे पीरियड्स खत्म होता है जिस दिन खत्म हुआ उस दिन करें, क्योंकि उस समय बॉडी से फ्लूइड पूरा निकल जाता है, हॉर्मोन्स का लेवल भी नीचे रहता है, तो ब्रेस्ट जो कड़ा रहता है वो ढीला पड़ जाता है, कोई भी छोटा सा भी गांठ रहेगा तो आपको पता चलता है। और कई लोगों को पीरियड्स के समय, पीरियड्स के पहले ब्रेस्ट में थोड़ा सा पेन रहता है तो उस समय भी एग्जामिन करना मुश्किल हो जाता है, जिस दिन पीरियड्स खत्म हो रहा है उस दिन आप जाँच। जिन लेडीज को पीरियड्स नहीं आ रहा या पोस्ट मेनोपॉज है वो कब करेगा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ऐसी लेडीज़ को हर महीने की किसी एक निश्चित तारीख या हर महीने जब याद आए कर, ठीक है। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनको क्या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए हर महीने की कोई भी निश्चित तिथि। जो लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उनको बच्चे को दूध पिलाने के बाद जब दोनों ब्रेस्ट खाली हो जाता है तब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, उनको भी यूजुअली पीरियड्स नहीं आता, उनको भी किसी निश्चित तिथि पर करना चाहिए। लेकिन ये क्या है, तिथि एक टेंशन डाल देता है, अरे 25 तारीख की टेंशन बना देता है, तो लेडीज़ को इस टेंशन से बाहर निकलने के लिए अमेरिकन कैंसर रिसर्च सोसाइटी ने अभी कहा है कि कोई तिथियों में बनने की ज़रूरत नहीं, आप डेली करिए, जब आपको याद आए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान देना कि ब्रेस्ट खाली, ठीक है। ब्रेस्ट किसी भी कारण से कड़ा हो, प्री मेंस्ट्रुअल स्टेज हो या ब्रेस्ट में मिल्क भरा हो, ऐसे स्टेजेस में आप मत करिए, खिलाने के बाद खत्म होने के बाद आपको, तो मैंने चौथा स्टेप आपको बता दिया, पूरा आपको टटोलना है पूरे ब्रेस्ट को, उसके बाद निपल को भी दबा के किसी भी तरह का खराब नहीं, यही चीज़ आप इस ब्रेस्ट के लिए करें, ये हो गया चौथा स्टेप। पांचवें स्टेप में आप क्या करेंगे, एक छोटा सा तकिया सिर के नीचे लगाएंगे और अपने बेड पे आराम से लेट जाएंगे, लेटने के बाद ये सेम स्टेप ऐसे लेट के इस हाथ से, इस हाथ को नीचे रखेंगे
और ये पूरा एग्जामिन करेंगे। और इस हद से लेट के करने के लिए मैं क्यों बोलती हूँ, क्यों कहा गया है, क्योंकि जब आप लेट करते हैं तो ब्रेस्ट फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाएगा तो छोटा सा भी गांठ रहेगा तो आपको पता चलता है। नेक्स्ट सिक्स स्टेप है, आप अब नहाने जा रहे हैं, नहाने के लिए कपड़े उतारे थे ना, अब बेड से उठ के आप नहाने जा रहे हैं, नहाते हुए साबुन लगाने के बाद ये स्टेप को आप रिपीट करें। उसमें क्या होता है, हाथ में साबुन लगा रहते हैं और आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं। ये सिक्स सिंपल स्टेप्स इन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के, पहला तीन स्टेप आँखों से बाय इंस्पेक्शन और बाकी के तीन स्टेप बाय प्रैक्टिस, ठीक है, हाथ से महसूस करना। ये हमको खुद भी प्रैक्टिस करना है और हमारे कॉन्टैक्ट में जितने लोग आए उनको सिखाना है। आप प्रैक्टिस करो, आपके घर में जो बच्चियाँ हैं उनको सिखाओ, बड़े जो हैं उनको सिखाओ, जितने पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में आते हो उनको सिखाओ। मैं बता रही हूँ, आपको लगेगा बहुत छोटी चीज़ है लेकिन एक बहुत बड़ी मानव सेवा है। आपकी दो बातें अगर उनकी ज़िंदगी बचा सकती है तो आप कोई मामूली काम नहीं करते, बहुत बड़ा काम करते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बात करो, आप खुलो पेशेंट्स के साथ, बी ओपन टू से योर दिस। समझ में आ गया? नेक्स्ट सभी स्टेप्स हो गया, सब किसी स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है। अब ये हो, पहला मैंने बताया स्वस्थ अंतरिक्ष, आप हर महीने करेंगे, जैसे ही कोई आपको दिक्कत लग रही है आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उनसे चेकअप करवाइए और कोई भी आगे का इन्वेस्टिगेशन बताते हैं। सेकेंड है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सेकेंड जो डायग्नोस्टिक मॉडलिटी है ब्रेस्ट सेल्फ कैंसर के बारे में पता करने का, जल्दी पता करने का, वो है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मतलब किसी भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से, चाहे नर्सेज हों चाहे डॉक्टर्स हों, जिनको जानकारी हो उनके पास जाके आप अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कराइए, साल में कम से कम एक बार। गांठ होने का इंतज़ार मत करिए, कुछ एबनॉर्मल होने का इंतज़ार मत करिए। जैसे सर ने कहा साल में एक बार आप अपना बर्थडे, अपना मैरिज एनिवर्सरी कुछ भी सेलेक्ट कर लें, साल में एक बार, 30 साल की आयु से जिंदगी भर साल में एक बार जो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, और 40 साल के बाद हर साल मैमोग्राफी या ब्रेस्ट का एक्सरे कराएं। समझ में आया? ये तीन ऐसे हथियार हैं हमारे हाथ में जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत जल्दी पता करें। सबसे इसके बारे में पता करने के लिए सबसे निपुण जो आप खुद हैं, क्योंकि आपके शरीर के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि क्या सामान्य है और क्या असामान्य है। किसी और को कोई चेंजेस पता होने के पहले आपको पता चले। इज इट क्लियर? तो मेरा रिजर्वेशन यही था, जरूर चले 20 वर्ष की आयु से प्रतिमा महावारी के चौथे पांचवें दिन स्वयं स्तन का परीक्षण करें। रजोनिवृत्ति महिलाएं किसी एक निश्चित तारीख को प्रतिमा स्वस्थ परीक्षण करें। 20 से 29 वर्ष की आयु की महिलाएं प्रति 3 वर्ष में डॉक्टर द्वारा स्तन परीक्षण कराएं, तथा 40 वर्ष की आयु से अधिक की महिलाएं यह परीक्षण प्रति वर्ष कराएं। 40 वर्ष से अधिक की महिलाएं प्रतिवर्ष मैमोग्राफी कराएं। यदि आपके स्तन में कोई असामान्य परिवर्तन है तो शीघ्र डॉक्टर से सलाह लें। जब तक आपका शिशु 2 साल का नहीं हो जाता स्तनपान जरूर कराते रहें। बच्चा भी खुश, आप भी खुश। लंबे समय तक गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन ना करें। शारीरिक व्यायाम करें एवं तनाव रहित रहें। रजोनिवृत्ति के दौरान हार्मोन उपचार न कराएं। अपना सही वजन बनाए रखें। किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का सेवन ना करें। लीव हेल्दी बी हेल्दी एंड बी हेल्दी। कोई डाउट पूछ सकते हैं? ठीक है, में जिन्होंने हमारा सहयोग दिया उन्हें हम सुषमा विंग्स की ओर से ये प्रशस्ति पत्र प्रदान करना चाहते हैं। डॉक्टर नारायण लाल, वोट ऑफ थैंक्स के लिए श्रीमती मंजू रुक्कड़ को बुलाना चाहूँगी। आदरणीय मंच उपस्थित कैंसर के प्रति जागरूक साथियों, सुषमा विंग्स ऑफ कैंसर सपोर्ट सोसाइटी, जी साथियों, जिसका मूल उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना
इस भयावह रोग से डरने और भागने के बजाय लड़ने के लिए लड़ना और उसे समूल नाश करना। और हम इस अभियान के तहत इस तरह के सेमिनार आयोजित करके पब्लिक को जागरूक करते हैं ताकि वे इस भयावह रोग से डरे नहीं बल्कि इस रोग का सामना करें। इस अभियान में आप सभी हमारा हिस्सा बने, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम दिल से धन्यवाद आपको तभी दे पाएंगे जब आप सिर्फ अकेले हमारे साथ ही न बने बल्कि अपने साथ और चार साथियों को जोड़ें। ऐसी हमारी उम्मीद रहेगी कि आप अपने साथ और चार साथियों को जोड़कर इस कार्यक्रम को और अधिक सफल बना पाएंगे। और हमारा यह विश्वास है कि जब आप हमारे साथ चार साथियों को जोड़ेंगे तो हम एक और एक 11 होकर इस अभियान के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में एक जागृति फैला पाएंगे। और इस अभियान के तहत एक विशेष लाइन जो काफ़ी बार रिवाइज हो चुकी है, पहले शशि भाभी ने किया फिर पांडे सर ने किया, तो वह लाइन सिर्फ एक लाइन आपको अपने स्मृति पटल पर अंकित करनी है जो है नो कैंसर नो कैंसर। अर्थात यदि आप कैंसर को जानेंगे तो कैंसर से ज़रूर बच पाएंगे। आपका पुनः बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा विंग्स ऑफ कैंसर सपोर्ट सोसाइटी की ओर से मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए, इसे सुना और हमारे साथी बने। और सिर्फ एक लाइन के माध्यम से मैं सभी में यह जागरूकता फैलाना चाहूँगी क्योंकि इस अभियान को हमको यहाँ तक सीमित नहीं रखना है बल्कि बृहद स्तर तक ले जाना है। और उसके लिए गीत की एक ही लाइन होती है कि जो आप भी मेरे साथ दोहराएं, हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। बैनर में कुछ फोन नंबर दिए हुए हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए। कैंसर के बारे में कोई भी डाउट हो तो कॉल करेंगे। अगर कोई मेंबरशिप लेना चाहे